सिलसिले में आपका स्वागत है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये लंबा सिलसिला है, इसमें हम विभिन्न रंग कर्मियों से, जिसमें नाटककार, अभिनेता, निर्देशक इत्यादि शामिल हैं, एक खुले संवाद की आयोजना करते रहे। इसमें पहले नीलम मान सिंह, सत्यदेव दुबे, राज बिसारिया, राजेंद्र नाथ, अनामिका, बंसी कौल, महेश एल कुंजवार, विजया मेहता, वी जयश्री इत्यादि के साथ हमने इस तरह के संवाद आयोजित किए। आज का संवाद महाराज कृष्ण रैना के साथ है, जिनको एम के रैना नाम से अधिक प्रचलित है। बहुत लोग तो शायद एम के ही कहते होंगे उनको, प्यार दुलार से। वो वैसे अधिकांश लोग ये जानते ही होंगे कि वो वैसे तो मूलतः कश्मीरी हैं, पर उन्होंने रंग प्रशिक्षण राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से प्राप्त किया और उसके बाद पिछले कितने वर्षों से, यानी लगभग 40 वर्षों से वो रंग क्षेत्र में सक्रिय हैं, स्वतंत्र रंगकर्मी के रूप में। और उन्होंने 150 से अधिक नाटकों का या तो निर्देशन किया है, उनमें अभिनय किया है। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें बहुत बड़े बड़े फिल्मकारों के साथ उन्होंने काम किया है, मृणाल सेन, मणि कौल, कुमार शाहनी, गोविंद निहलानी इत्यादि। वो उनका अपना नाट्य दल प्रयोग है, पर वो एक दूसरी प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्था है सहमत, उसके भी लगभग स्थायी चेहरे हैं। मतलब कम से कम मैं जब से दिल्ली आया हूँ तो सहमत के हर आयोजन में एमके को जरूर देखता हूँ, वो कुछ ना कुछ करते हुए, और नहीं तो कुर्सी ही उठाते हुए या फिर माइक पर किसी को ले जाके उसको बताते हुए कि माइक कैसे चलेगा इत्यादि। उनकी जो प्रमुख प्रस्तुतियां हैं उनमें कबीरा खड़ा बाजार में, कर्मावाजी, लोअर डेप्थ्स, पराई कुख, मदर, अंधायुग, थ्री सिस्टर्स, मुआवजे, मही हूं, काल पुरुष, ओपेनहाइमर, एवल इंद्रजी आदि शामिल। रैना ने सिर्फ रंग कर्म ही नहीं किया है, उन्होंने देहाती क्षेत्रों में विकास के लिए रंगमंच पर भी जोर दिया है। और उनकी प्रेरणा से या उनकी पहल से बहुत सारे ऐसे समूह गठित और सक्रिय हुए हैं जो अपनी मदद खुद करने में भरोसा रखते हैं। और जिन फिल्मों में उन्होंने काम किया है, मैं सतह से उठता आदमी, इससे थोड़ा बहुत मेरा भी ताल्लुक था, तरंग, 27 डाउन, न्यू दिल्ली टाइम्स, एक रुका हुआ फैसला, तमस, तारे जमीन पर और आयशा आदि शामिल हैं। रैना साहब को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। 1980 में संस्कृति सम्मान, दिल्ली के साहित्य कला परिषद का पुरस्कार 1981 में, श्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार पश्चिम बंगाल सरकार से 1982 में, पंजाबी अकादमी पुरस्कार 1987 में, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1995 में, स्वर्ण पदक जम्मू कश्मीर 1996 में। तो पद्म सूची में क्यों नहीं आए ये एक चिंता का विषय है। बहरहाल मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अव्वल तो वो इस खाली कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। श्री महाराज कृष्ण रैना, उनको फूल देने के लिए रश्मि जी आई, तो आप ही नजर आ रही इस परिसंवाद की योजना कुछ परेशानी रंग संवाद की योजना कुछ यूं है कि जिस रंग कर्मी से हम, वो पहले ही बात करने लग गया, जिससे हम बातचीत करेंगे तो थोड़ी देर वो अपने रंग जीवन के बारे में हमें बताएंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि किस तरह की रंग प्रक्रिया उनकी होती है, किस तरह के मुकामों से वो गुजरे हैं, किस तरह उनके संघर्ष उत्सुकताएं रही हैं इत्यादि इत्यादि। और फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर का समय होगा, यानी
जो श्रोता लोग हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न रंग जीवन से संबंधित हो तो ही अच्छा है, बिना पूछे कि आप कौन सा धारावाहिक देखते हैं, क्योंकि उनके टेलीविजन के धारावाहिकों में काम भी कर चुके हैं। और तो वो प्रश्नोत्तर का वक्त बाद में आएगा, पर पहले रैना साहब से ही सुनते हैं उनकी जुबानी, जैसा सुनते और देखते हैं उनके रंग जीवन की कुछ झलकें। महाराज कृष्ण रैना। जो ये कहानियां पहले तो नटरंग से मेरा पुराना रिश्ता रहा है, क्योंकि मेरे गुरुजन गुरुजी नेमचंद जैन मेरे टीचर रहे हैं, तो मैं अपने को बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि उनका बनाया हुआ जो प्रतिष्ठान में वहाँ मुझे जगह मिली है कुछ बोलने के लिए। पर्टिकुलरली जैसे उन्होंने कहा कि अपने जीवन यात्रा के बारे में, रंगमंच की यात्रा के बारे में, मेरा बचपन कश्मीर में गुजरा। मैं कितना समय हमारे पास जो नॉर्मल तरीका होता है कश्मीर में, एक वो माहौल था जबकि बिल्कुल सिंक्रेटिक कल्चर में मैं पैदा हुआ, प्लूरिस्टिक कल्चर। मेरे टांगे वाला मुसलमान मेरे पिता यहाँ, रजा भाई मेरे यहाँ को वो उड़ाते थे, उसके बीच में हमारे घर होते थे। तो तब ये महसूस कभी नहीं हुआ था कि कश्मीर में कुछ स्पेशल चीज है। हम हाँ ये था कि दो बार डल में डूब गए, फिर निकाले गए, किसी नाबालिग ने निकाला, वो भी मुसलमान ही था, और फिर पीटा मुझे, तू क्यों ऐसे स्विमिंग करता था, वगैरह वगैरह। उसके बाद ये लिविंग जो वहां रहना था उसके साथ सबसे खूबी ये थी कि मैं हॉकी बहुत ज्यादा खेलता था और मैं जख्मी बहुत होता था, तो मेरे घर वालों ने एक चाल चली मेरे साथ कि हमारे यहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल था, कि उसको म्यूजिक स्कूल है, गाता रहता है। तो मैंने कोई 5-6 साल गंधर्व महाविद्यालय की ट्रेडिशन में विशारद से एक श्रेणी कम तक पास किया। मुदगल जी मुझे एग्जामिनर आते थे हमारे, बड़ा ख्याल करना पूरा, फिर वो क्लास भी लेते थे हमारे। तो रागों को जानना, रागों को पहचानना, लय को समझना, तलबा बजान, ये तानपुरा घर में आना, ये था। उस वक्त हमारे स्कूल में जो मेरे प्रिंसिपल थे वो बहुत ही माने हुए ये कवि हैं कश्मीर के, दीनानाथ नादिन। वो हम बच्चों को हमेशा अपनी कविताएं सुनाते थे, तो उसमें ये भी हुआ कि उन्होंने हमारे लिए एक ओपेरा लिखा एक बार, नेकी बदी। मुझे आता है मैं पांचवी श्रेणी का था तब। तो अब मैं सच्ची उस स्क्रिप्ट को ढूंढता हूँ, मिल नहीं रहा, क्योंकि वो ऐसे मलन थे कि वो लिख के पब्लिश नहीं करते थे, पढ़ाओ किसी के पास तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। तो वो प्ले उन्होंने नेकी बदी, ये सिंपल सी कहानी थी, लेकिन अब जितना मुझे याद है वो था पक्षियों के ऊपर था, जंगल में है, जंगल में रात आती है, उल्लू आता है, तहस नहस करके जाता है पक्षियों को, और उसके बाद वो आपस में डिबेट चलता है जंगल के सारे पक्षियों, बंदर है, भालू है, कबूतर है, तोता है, कि क्या करें, कैसे इस रात को दिन बनाएं। मतलब तो कबूतर कहता है कि एक ही तरीका है कि हम रात को दिन मनुष्य से हम लेंगे रोशनी। तो एक सीन बनता था उसमें, कालिदास मशाल लेके आते थे, होमवर्क लेके आते थे, तो इस तरह से वो नाटक इतना मशहूर हुआ, उसका बड़ा प्रोडक्शन हुआ था। और फिर जब आपको याद होगा बुल्गारिया में क्रिश्चोव आए थे, हिंदुस्तान कश्मीर आए थे, तो उनके सामने हमें रखा गया कि आपको ये करना है, बड़ा स्टेज बनाया गया, उस पर हम लोग देखे नहीं, हम छोटे बच्चे, तो टेबल्स लाए गए, पूरा स्टेज टेबल था, उस पर हम चढ़े थे। उसमें पहाड़ थे पीछे से, डिजाइन जबरदस्त था, सीआर संतोष थे एक बहुत बड़े ये हमारे पेंटर, वो सेट डिजाइन थे, म्यूजिक मेरे टीचर जिनके साथ म्यूजिक था उन्होंने किया था, और वो गाने इतने मशहूर हो गए कि आज भी वो मैं सुनता हूँ, कहीं ना कहीं गाए जाते हैं, रेडियो पे आपको मिलेंगे वो पद भी मिलेंगे गाने वाले। वहां से एक स्कूल, उस वक्त कश्मीर में काफी ड्रामा एक्टिविटी होती थी, काफी ये थे, क्लब्स थे, ग्रुप्स थे, उनमें एक कला केंद्र ग्रुप था, जब भी बच्चे की जरूरत होती तो मेरी बारी आती, तो मैं कभी इस ग्रुप के साथ कभी उस ग्रुप के साथ काम करता था। पहुंच गए कॉलेज में थोड़ा किया, जो ही मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो मुझे स्टेट ने ही कहा कि हम तुझे ड्रामा स्कूल भेजते हैं। मैंने सीखा
स्कॉलरशिप होल्डर नहीं, मैं अपनी स्टेट का स्कॉलरशिप होल्डर हूँ। तो मैं यहाँ आया, थर्ड फ्लोर पे मेरा इंटरव्यू हुआ और वहाँ पर नेमी जी थे, अलका जी साहब थे, सुरेश अवस्थी थे, मोहन राकेश थे और अलका जी साहब थे। तो पता नहीं मैंने क्या किया, मुझे याद नहीं, कुछ अंग्रेजी में मैंने कुछ डायलॉग फेंके, कुछ हिंदी में फेंके, कुछ स्पीच में, तो उन्हें कहा तुम्हारा एडमिशन हो गया 15 जुलाई का 67। तो फिर मैं यहीं रहा और हाल ये कि 40 साल से मैं इधर ही कहीं भटक रहा हूँ। इस भटकन में ड्रामा स्कूल किया, ड्रामा स्कूल में बहुत अच्छे टीचर मिले और मुझे लगता है कि वो टफ टाइम था ड्रामा स्कूल में। आज तो मुझे नहीं लगता उतने टफ के टीचर हैं वहाँ, जिसने हमारी हालत कितनी जानती होगी कि हम क्लास छोड़ नहीं सकते थे, सपने में भी नहीं सोच सकते कि क्लास छोड़ेंगे, पता नहीं क्या होगा। टीचर अच्छे आए, डायरेक्टर्स बाहर से आए, कार्ल वेबर आए जो बाद में स्टैनफर्ड के चेयरमैन थे, ड्रामा डिपार्टमेंट के, बेनिविट्स आए, शांता जी ने अगर आपको याद होगा कि वो एक अजीब सा माहौल था जिसको कुछ नया सा माहौल आया था कि भाई अपने देश का नाटक क्या होगा। तो शांता जी ने एक जसमा उड़न किया, जसमा उड़न में हम काम कर रहे थे, तो जसमा उड़न का सबसे अनुभव जो था जो लेबोरेटरी की तरह, शांता जी के पास खाका था, खाका जैसा था, और कहते ये करो तुम, मुझे कहते निकते कविरतन और मैं, और हम पता नहीं क्या करते थे, उनको बहुत दिखाते थे बाद में आके ये देखिए उनको अच्छा लगता, देन शी विल गिव इट इट शेप एंड फॉर्म। तो वो प्रोडक्शन जो है शुभम मित्र देखे थे, मुझे याद है, तो ओपन ईयर में हुआ था पहले, तो ही डिस्क्राइब द फ्यू मोमेंट्स, किसे बात करते हम छोटे थे सुन रहे थे, तो जब व्यू हुआ वो कड़ा निकाला उसने, इसमें ग्रीक एलिमेंट था वगैरह वगैरह, लेकिन उस वक्त ये सवाल जरूर उठा था कि भारतीय रंगमंच क्या है, क्योंकि उस वक्त डिबेट चल रहा था कि एनसी वेस्टर्न ड्रामा ही करता था, सरनी फोक ड्रामा होने लगे वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी भनक हम पर भी पड़ती थी। उन्हीं दिनों मेरे ड्रामा स्कूल में दोस्त कम होते थे, मेरे स्कूल से बाहर ही ज्यादा दोस्त थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग होते थे मेरे दोस्त, और हिंदुस्तान टाइम्स यहाँ होता था कनॉट प्लेस में, वहाँ एक ढाबा होता था जहाँ पर सारे ये कुछ लिटरेरी ओरिएंटेड दिल्ली यूनिवर्सिटी के लोग होते थे, तो राजेंद्र प्रसाद, टीपी जैन, ये वहीं बैठते थे। हमारा कोई भी नाटक उनको पसंद नहीं आता तो मेरी खाल खींचते थे, तुम लोग खराब क्यों करते, तो लड़ाई चढ़ाई चलता था। उससे युवा अगर आपको पता होगा वही जमाना था जब वेतना वार भी था चल रहा था, तो ओरिएंटेशन दूसरे किस्म की हमारे मन में होती रहती थी कि भाई ये बिल्कुल इंटरेस्ट वार है, खराब वार है। तो मेरा ओरिएंटेशन कुछ अजीब किस्म का इस तरह से हुआ, इतने में ही ब्रेक पैदा हो गए रंगमंच में, ब्रेक कोई चीज है ब्रेक। तो प्ले किया हमने, दो प्ले किए थे, एक वेवर का क्या था चौक सर्कल और दूसरा क्या था बेनिफिट्स का। बेनिफिट्स का इम्पैक्ट हम पे ज्यादा पड़ा, मुझ पर तो काफी पड़ा, बिकॉज वो ऐसे थे कि वो आपके साथ मिल मिल के बात करते थे, आपके साथ घूमते थे, पुरानी दिल्ली घुमाना पड़ता था उनको वगैरह वगैरह। मैंने मैक्सवेल भवन से एक दिन एक किताब निकाली, ब्रेक के 100 पोएम, यहाँ पे भी 100 पोएम्स की बात कर रहे थे, तो मैं अपने छोटे से कमरे में ही मटकर में बैठ के उसको मैस में था, मैं शुरू किया कुछ 7:30-8 बजे खाने के बाद, सुबह तक मैं वो सारी पोएमें खत्म किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जिंदगी शायद मेरा वर्क ही बदल गया, मतलब पेज ही बदल गया, मैं कुछ सुबह जब उठा तो कुछ दूसरे किस्म का इंसान था, कुछ अलग ही सोचने लगा था वगैरह वगैरह। उसके बाद ड्रामा स्कूल खत्म हुआ, मुझको फिल्म मिल गई इतना 27 डाउन करने के लिए, 1 साल उसमें लगा, तो कुछ पैसे जेब में आते नहीं, ज्यादा नहीं थे, थोड़े से थे, एफएफसी क्या देता था, लेकिन मैंने फैसला किया मैं नहीं करूंगा नौकरी। मुझे याद है बंसी भानु और वगैरह पागल हो गया, क्या कर रहे हैं तुम, मैं देखी जाएगी इसे तो 2 साल निकालेंगे, देखी जाएगी, अब आप कुछ भी कह दीजिए, अभी तक मैं वैसे ही हूँ, गाड़ी छीकी चली, हालांकि संघर्ष बहुत है, इट इज नॉट अ हैप्पी लाइफ, इट इज अ वेरी टफ लाइफ, स्ट्रगलिंग लाइफ, यू हैव टू ऑल द टाइम कीप योर हेड एंड हेड ऑन योर शोल्डर्स, आपको ह्यूमिलेशन बहुत होती हैं, आपको बहुत संघर्ष जूझने पड़ते हैं, आप कल के छोकरे आपको कुछ भी कह सकते, आपको सुनना पड़ता है। लेकिन इस बीच एक वक्त पार्लियामेंट में एक हिप्पी मिला मुझे, वो बेच रहा था अपना स्लीपिंग बैग 200 रुपए में, वो मेरे पास अभी भी है, मैंने रखा है टोकन, वो मैंने लिया और एक मिलिट्री का रक्सैक मिलता था उन दिनों, आजकल के तो बड़े फैंसी आए, वो लेके हमने झोला भरा। और थर्ड ईयर में एक वाक्य हुआ था जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो था कि
जब मेरा वाइवा हो रहा था वहां पर जॉइंट सेक्रेटरी कल्चर म्यूरल वासी होती थी एक, वो बैठी थी, तो उन्होंने मेरा कोई पेपर और कोई दूसरे थे, उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा संस्कृत ड्रामा का पेपर लिखा है, हम इसको शिमला में छापना चाहते हैं, छापिए। तो उन्होंने कहा तुम पहले जाओगे क्या, हम तुम्हें स्कॉलरशिप देंगे। मैंने कहा नहीं मैम। तो मेरा कहना तो उतरा देख रहे थे इसको क्या हो गया। मैंने कहा नहीं मैम नहीं जाना मुझे। जो ही मैं बाहर निकला अलका जी साहब ने मुझे मुर्गे की तरफ पकड़ लिया, तुम मेरे कमरे में आ जाओ जरा। वो कहने लगे कि व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, शाउटिंग एट मी, डू यू अंडरस्टैंड शी इज ऑफरिंग यू अ स्कॉलरशिप एंड यू से नो, यू एरोगेंट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन। आई रिमेंबर आई सेड सर मैंने तो देखा ही नहीं हिंदुस्तान, एंड इट्स अ फैक्ट, कोई हिपोक्रेसी नहीं, कश्मीर से निकले थे सीधे दिल्ली टपके थे, कुछ देखा ही नहीं। मैं मुझे तो अजंता भी नहीं पता कहाँ है, मुझे पहले यहाँ देखने दीजिए कुछ, फिर मैं हो सकता हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन मुझे आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं वहां जाऊंगा। एंड आई थिंक आई वॉज वेरी क्लियर टू से कि आई बी कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई लर्न फ्रॉम देयर, आई डोंट वांट टू डू दैट, आई वांट टू गो ऑन एन इक्वल लेवल जब भी कभी होगा। समथिंग रॉन्ग भी तो डांट के निकाल दिया बाहर, तो बहुत नाराज हुए उससे। बाहर निकले तो फिल्म जब वापस की तो यहाँ आए तो क्या करें क्या करें, मुझे रामामूर्ति मिले। रामामूर्ति उस वक्त यात्र के साथ काम करते थे, उनका एक यहाँ पर था क्रॉन पुलिस में, उनके मक्सपुर भवन ने एक जगह दी थी ऊपर, बहुत बड़ा हॉल, दो हॉल थे वहाँ। पता नहीं मुझे कैसे, मैं कहा यार हम 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम बना देते हैं रामामूर्ति, तो अपना सिगरेट वेरी गुड वेरी गुड, खैर दे दिया हमने बना दिया। उसमें जॉय माइकल, मैं, बैरी भी था। अब उसमें ये विभाजन भाई हिंदी तुम संभालोगे अंग्रेजी हम करेंगे, तो हमने ठीक है। तो उस वर्कशॉप से ये हुआ कि हमको 3,000 रुपये महीने मिल गए उस महीने, बट दैट ओपन सम आइडिया इन माय हेड कि दिस इज द पॉसिबिलिटी, आई कैन गो अराउंड द कंट्री एंड डू दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप्स। इनफैक्ट उससे पहले शायद कारण जी ने कहीं वर्कशॉप थी, 73 की बात है यार, जुलाई बहुत गर्मी थी, उसी से पहला प्रोडक्शन उसी कमरे में बना था, छोटा सा कमरा था, वही मैंने डिजाइन करके गॉर्गी का लोड एक्स किया था बिल्कुल। इट वॉज अ वेरी वेरी स्मॉल स्पेस, और आपके अवस्थी जी और पीएल देश पांडे देखने आए, पीएल बहुत खुश थे उसे, बहुत खुश होते कहा मुझे तुमसे बात करनी, यहाँ बुलाए थे वो, शायद उन दोनों ये थे डिप्टी सेक्रेटरी क्या चेयरमैन यहाँ के थे अकेडमी के, तो उन्होंने कहा तुम हम तुम्हारा एक इंटरव्यू करना चाहते सेंटर फॉर मार्क्स के जर्नल में, वो आया बाद में, तो मैं गया वगैरह होता, बट ही सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल जो वी मिस टुडे, एंड आई थिंक वी एज सीनियर्स डोंट डू, ही सेड सुनो अच्छा काम करना, आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, पैसे की कभी जरूरत पड़ेगी एक पोस्ट कार्ड भेजना मुझे। एंड आई टोल्ड हिम आफ्टर 20 years इन NCPA वहाँ तक कि मैंने कहा आपको पता है कि आपने मुझे किस इसमें डाल दिया परीक्षा में, उनको याद नहीं था, फिर कहा रात को मेरे साथ बैठो अब गप्पे करेंगे खाना खाएंगे। आई हैड अ रैपो विद हिम, वेरी गुड रैपो विद हिम, पुणे जाता था मैं उनसे मिलता था, बट दिस वॉज समथिंग कि आई हैव अ समबडी टू बैक ऑन और ही थिंक्स के आई एम ऑन द राइट ट्रैक, ये था। क्योंकि कश्मीरी के लिए बहुत मुश्किल है दिल्ली में रहना गर्मी में, हमारे गाने देते हैं हमको, सारी दुनिया यहाँ आती है तो वहाँ रहते, तो पहले 4-5 साल हम गए नहीं घर। एंड दैट इज वेन आप आए सीन पे अशोक जी मध्य प्रदेश में, तो हमारा मध्य प्रदेश का भ्रमण शुरू हुआ, यूपी में भ्रमण शुरू हुआ, उन्हीं दिनों 70s में पंजाब में एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि रेपेट्री बनेगी, रेपेट्री बनेगी, तो मुझको कहा गया तुम इसमें सिलेक्शन के लिए, मैं था, बलून गार्गी थे ऑफिसर वहाँ के एक थी और भी कोई कोई थे, तो पहली स्टेट रेपेट्री पंजाब रेपेट्री कंपनी बन गई। एंड एम के रैना बींग एम के रैना, तो हमने तुमको कहा भाई इसका प्रोग्राम बनाना चाहिए कि सिर्फ ड्रामा नहीं करेंगे आप। एंड वी रोट अ मैनिफेस्टो, एंड दैट मैनिफेस्टो वॉज अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग रिसर्चिंग आर्काइविंग एंड लाइब्रेरीज, काफी कुछ बुक था और बहुत अच्छी तरह से वो प्रिंट किया गया था सुंदर तरीके से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो 13 मई को शो पहला हुआ, मैंने मुझसे कहा गया पहला प्ले करो, अब ड्रामा कहाँ मिलेगा। बलम गागी का प्ले कमेडी बली कारण जी ने उन्हीं दिनों किया था, मैं उसका स्टेज मैनेजमेंट उनके लिए किया था, अब वो तो नहीं कर सकते थे, गागी साहब कहते वही करो, मैं कहा ये नहीं हो सकता, करते करते चौक सर्कल अडेप्ट किया जाएगा, तो चौक सर्कल अडेप्ट हो गया। और प्ले की बात बाद में बताऊंगा, लेकिन वो
कोई 25 परफॉर्मेंस पे सरकार ने ही बैन कर दिया, क्योंकि अगर आपको याद होगा वो इमरजेंसी का जमाना था एंड आई वाज पुट पर्सन नॉन ग्रेटा, और किसी ने पता नहीं कैसे कहा था कि नक्सल है ये। और मुझे याद है ये ओझा, ये जो हमारे गवर्नर हैं अपने कश्मीर के, क्या नाम इनका, वोरा साहब, ही वाज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे याद नहीं था, उन्होंने मुझे अभी कहा तुम्हें याद है, तुम मेरे दफ्तर आए थे, मैं वही हूँ, मैं कहा मुझे याद ही नहीं। उन्होंने कहा मुझे हाउ थिएटर पर्सन वर्क्स अगेंस्ट थिएटर पर्सन, ये बहुत अच्छी कहानी है इसकी। मैंने कहा सर आपने ये क्या किया, बड़ा गुस्से में ब्रेथ को बैन करते हैं, मजाक हो रहा है दिल्ली में क्या, ब्रेथ को वारंटी कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट। तो कह रहे तुम बैठो बैठो चाय पियो, तुम कब आए, मैं 10 बजे पहुंच, मैं कहा मैं रात को आया, तब बैठो चाय पी लो। यूं ड्रॉर खोला, ड्रॉर में से एक स्क्रिप्ट निकाली, वो पंजाबी में हाथ से लिखी स्क्रिप्ट चाक सकल की थी, जिसमें महा बैन की गालियों से भरा था। वो कहता ये चीफ मिनिस्टर के पास भेजा गया, मेरा चीफ मिनिस्टर मेरा विश्वास नहीं करता कि ये स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं और है, तुम बेटा यू आर लाइक माय सन, तुम ऐसा करो कि तुम यहां से चुपचाप निकल जाना, कहीं नहीं जाना, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी सीधे हरियाणा में जाना, दिल्ली वापस जा, आई हैव टू पिक यू अप, आई हैव टू अरेस्ट यू अदरवाइज। तो नेचुरली रात में निकल आए वापस, फिर आई थिंक देयर वाज अ लिटिल हंट ऑन लेटर को, बेवकूफी वाला हंट था। मैं यहां पहुंचा, एनएसडी में मेरे नाम एक चिट्ठी थी, राधा रमन जी ने लिखी थी कि आप मेरे दफ्तर आएंगे मुझसे मिलने मिलने के लिए, उनको मेरा घर तो था नहीं, उन्होंने तो कहा ढूंढते मुझे मुझे मैं मेरा दिमाग ठनका, मैं कहा ये चक्कर क्या है। तो सर्वेश्वर जी इसके पास में गया, मैंने कहा सर वही रहते थे, मैंने कहा सर जी देखो, कहता बेटा तुझे तेरी ढुंढाई हो रही है, मैं कहा इसका मतलब ध्यान ही समझ आया मुझे कि मैं कहा ओहो, एक साल पहले मैंने लोअर डेप जब किया था उसका अवार्ड मिला था कला परिषद की तरफ से, उसमें कुछ दांधली की थी, जजू ने सबने अवार्ड वापस किए थे, मैं यहाँ था नहीं, मैंने स्टेज पर ही वापस किया, तो आई थिंक इट वॉज इंसल्ट टू हिम, तो ही वुड सेटल द स्कोर विद मी नाउ इन द इमरजेंसी। तो हम वहां से निकले, गाड़ी पकड़ के कानपुर निकल गए, और कानपुर में ड्रामा खरीद गए। तो सर ये तो खैर इसलिए क्यों मैं कह रहा हूँ, अगर 72 to 88 एक पूरा एक फेज मेरा था 1988 तक, जिसमें वर्कशॉप करना, प्लेस करना, एक्सपेरिमेंट्स करना, जैसे भी आपको लगता है, और उसमें काफ़ी हमको मतलब उसी में अंधायुग भी आया पुराने किले में, उसी में कबीरा खड़ा बाजार में आता है, कबीरा खड़ा बाजार 10 साल हम करते रहते हैं, उससे बहुत पैसे हम कमाते हैं, जिससे प्रयोग चलता रहा, वो प्रयोग में हम काफ़ी नाटक करते रहे, उसमें एक डिसीजन हमने लिया था कि हर साल हम हिंदी का एक नाटक नया करा करेंगे, तो उसमें कोई 12-13 नाटक हम कर पाए, बैजम जी के भी कर पाएंगे, आप क्या किया हमने असगर वजाहत का, वीर गति किया वगैरह वगैरह, और ये नाटक जो मिलते थे तो कहीं उज्जैन हमारे ठियाँ लगता था, भोपाल दूसरा था, रायपुर तीसरा था, कानपुर, गोरखपुर, इंदौर, लखनऊ, पंजाब। उसके बाद एक पॉलिटिक्स भी, मतलब ऐसा कोई प्ले मेरा नहीं था कि मैं अच्छा इसकी दूसरी बात बताऊं, मैंने राकेश को बहुत कम किया है, हार्डली, गिरीश हार्डली, तेंदुलकर ने, क्यों ये मैं कह नहीं सकता, कि मुझे लगा शायद एक दिन तेंदुलकर मुझे बोले भी मेरा, मैंने सुना तुम हमारे प्ले नहीं करते हो, मैंने उनकी बेटी को कहा था मैंने नहीं किया तुम्हारे बाबा को कोई प्ले, मैंने कहा मेरे प्ले राइट नहीं है, अच्छा चलो मान ली, पॉसिबली वॉज बिकॉज आई वॉज लुकिंग एट द प्लेस जो पोलिटिकली मेरे नज़दीक मिलते हैं, तो इसीलिए मैंने उन प्लेस को गिरीश के प्लेस नहीं किए। लेकिन 77 फेज जो है, 77 से जब प्रयोग भी बना, 72, ये तो 1988 तक ये जो फेज था हमारा, इसमें ये नाटक अंधायुग भी उसी में होता, बहुत सारे ये नाटक लिस्ट लगा है, भारत को भारत बताने की खास जरूरत नहीं है, और कोई मतलब इतने प्ले की मैं आपको बताऊं, जब वो लिस्ट बनाई गई थी मैं खुद घबराया कि मैंने इतने नाटक क्यों किए, चाहे कुछ करने को था नहीं तो नाटक ही करते रहो। उसमें रिव्यूज वगैरह वो सब चलता रहता है, वो आते रहे, लेकिन एक बात हो गई कि 72 और 1988, फिर 89 से 2011 का जो फेज है, ये मेरे लिए बात अलग रहा, ये वो फेज रहा जब मुझे लगा नाटक तो बहुत किए, व्हाट इज द बिग आइडिया, आई एम कंप्यूटर, नाटक करने वाला, नाटक तो कर सकता हूँ, प्ले राइट नाटक देता,
But there is something much more you have to do. And that much more was, you have to communicate with the community, because I realized by then, theatre cannot be done in isolation. Theatre to is a community art. Community mere saath hai, to mera art hai. Awam mere saath hai, to natak hai. Lekin awam uske saath bhi hoti hai, rajniti wale ke saath hi. Waisa nahi. To mujhe kuch alag nirman bhi saath saath karna padega. To mere kuch dost literacy movement mein hain. To literacy movement walon ke saath main juda, unke saath kaam kiya. वो काम अलग किस्म का था. वो काम ऐसा था कि एक मूवमेंट खड़ी की थी. मैं सुदीप ने मुझे पकड़ा, तुम कुछ नहीं कर रहे हो तुम्हारे लिए. मैं कहा कि थोड़ी पढ़ा सकता हूँ, मैं कैसे करूँ, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं. तब उन्होंने मुझे समझाया कि है क्या लिटरेसी मूवमेंट, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है. रिमेंबर दैट वॉज द स्लोगन दे गिव. आई अंडरस्टूड. अच्छा, मैं आपके लिए जो देहात में नाटक करेंगे आप मुझे वो बच्चे दे दीजिए, मैं उनको ट्रेन करूँगा. तो पहला वर्कशॉप हमने किया था इंदौर में, बहुत ही सक्सेसफुल वर्कशॉप हुआ. उसमें प्लेस भी लिखते रहे, प्लेस भी डायरेक्ट करते. मैं ही अकेले नहीं आया उसमें. उसमें यह रहता है कि मैं सिर्फ अकेले नहीं जाता हूँ, उसमें मेरे साथ पेंटर भी होगा, हिस्टोरियन भी होगा, कवि भी होगा. तो बहुत सारे लोग ऐसे आते, प्रोफेसर शिमाली आए, मोनुप्रीति आए. ये सब चीज़ें जो हमारी कड़ी ना कि नाटक करना बड़ा जटिल है, इसमें समझ तो उसको ज़रा अनवाइंड करके बता दो कैसे करते हैं. वॉट इज द आइडिया ऑफ डूइंग इट, हाउ डू यू डू इट. एक बच्चे ने वहां पर कविता लिखी, मोहन उप्रेती वहीं पर 3 घंटे में उसको कंपोज करके जबरदस्त कंपोजिशन बताया, और बताया कि कंपोजिशन कैसे करते हैं. तो उस काम से ये हुआ कि वो जो लिटरेसी मूवमेंट चल रहा था सारे देश में, राउंड अबाउट 50 ग्रुप्स तैयार हुए इस वर्कशॉप के बाद. हर लड़का एक एक ग्रुप बनाता है. एंड आई मेट देम आफ्टर 2 मंथ्स, दे केम विद अ ग्रुप एंड अ प्ले दे हैड डन, एंड आई फिल्म देम इन लखनऊ. वो बहुत बड़ा मीट था. And there's a film I made for them. कि ये काम भी, इस तरह के काम भी होते रहे. ये वही समय है जबकि पंजाब टेररिज्म आता है. पंजाब टेररिज्म में क्योंकि मैं पंजाब में काम करता था, मैं पर्सनल नॉन ग्रेटा भी होता, लेकिन वहां पर हमारी एक छोटी सी एक ग्रुप तैयार हुआ था. जिस तैयार क्या होता है, मिलते थे रोज शाम को. पाश होता था उसमें, सुमित होता था, अमरजीत चंदन होता था, अमित होता था, कमल तिवारी होता था, मैं होता था. तो सडनली पाश पहले सुमित मारा गया. सुमित आपको पता होगा, वो जो प्रीतनगर एक जगह है, उनका ग्रैंड सन है सरदार गुरु सिंह का. उन्होंने कुछ प्रीतनगर प्रीतलड़ी मैगजीन में लिखा था. तो घर से बाहर निकलते ही देहात में, उनका घर बॉर्डर के पास ही, सीधे स्कूटर से उतर के उसको एक गोली यहाँ मार दी, गिर गया तो दूसरी यहाँ मार दी. उसके बाद पाश मारा गया. तो बड़ा अजीब सा लगता था, पंजाब जाए ना जाए, क्या हो रहा है. और 89, अगर आप कहते 84 पंजाब टेररिज्म के टाइम पे यहाँ पर भी वो ये हुए, क्या कहते हैं, राइट्स हो गए. आई लेफ्ट थिएटर, आई वाज अंडर 20 कैंप्स वर्किंग. हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था नागरिक एकता मंच, जिसमें हम लोग दिन रात यही काम करते, 4 महीने कुछ नहीं थे. उस वक्त मुझे कहा भी गया कि नाटक बना दो. इतनी बड़ी ट्रेजेडी का नाटक बनाना बहुत मुश्किल है, इतनी जल्दी बन भी नहीं सकता नाटक. तो मेरी जिंदगी का नाटक 2 किस्म का है. एक तो जो हम करते हैं, दूसरा उस किस्म की चीज़ें जिसको मैं, मुझे लगता है मैं मीनिंगफुल हूँ. उस वक्त सिर्फ डायरेक्टर बनना, एक्टिंग करना ज़रूरी नहीं है, और वो बाद में भी हो सकता है. लेकिन उसी वक्त अगर आपको 89 में ही सफदर मारा जाता है, तो जनवरी 1 में आया घर कहीं दोस्त के यहाँ से, तो मुझे फोन किया मेरे दोस्त ने कि सब कुछ लड़ाई हुई, मार पड़ी उसको, वो फलाने हॉस्पिटल में. आई थॉट कि क्या हुआ होगा, हाथ पैर टूटा होगा. 2 दिन पहले उसे मेरा नाटक वीरगति देखा था, मिलना था, तो ऐसा ही कुछ होगा. तो मैं और मेरी धर्मपत्नी अंजू को डॉक्टर ने कहा भागो चलो इस हॉस्पिटल में, यहाँ इरुना हॉस्पिटल कहती है मोरन हॉस्पिटल. एंड ही वॉज देयर अलोन, ब्लीडिंग नाक से कान से, एंड कॉग्निशन आ रहे थे. तो वहाँ यंग डॉक्टर्स भी से भी कह रहे थे, उन्हें पहचाना था मुझे, कि आप इसको यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ नहीं कुछ कर सकते हम, आप इसको यहाँ ले जाइए वेलिंगटन हॉस्पिटल. वहाँ कुछ फिर किसी तरह से वहाँ एक एम्बुलेंस मिली, ऑक्सीजन. मैंने कहा तुम लोग साथ आ जाओ, अगर आओगे. वो आए बेचारे, वहाँ लेके गए, और वहाँ पर फाइनली कैट स्कैन हुआ. कैट स्कैन से पता चला कि हिज ब्रेन इज ब्लूड इज कमिंग थ्रू हिज हेयर. डॉक्टर बोले, डॉक्टर पहले था ही, तो वो आया बेचारा बाद में बड़ी मेहनत के बाद. तो ही सेड वी कांट डू एनीथिंग, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज
which you know, it was not even far, it was just very near to you. The friend which you discussed, har hafte aap milte the do teen baar, and that goes away. And but Safdar used to talk a lot of things with me about his dreams, about so tera bro kya hona chahiye ye wagar. To udhar se sehmat bana. सहमत दरअसल जम कर रहा हूँ, डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है. सहमत से बनने से ये हुआ कि इट हैज बिकम अ यूनिवर्सिटी फॉर मी. आई डोंट नो फॉर अदर्स व्हाट इट मींस टू मी इट्स अ यूनिवर्सिटी वेयर जो तब तक करता था डायरेक्टर था, आई विल कॉल द शॉट्स, बट हियर वाज अ प्लेस वेयर यू कांट कॉल अ शॉट एंड यू कैन बी ओके एंड अबाउट. यहां पर इट वाज अ वेरी डेमोक्रेटिक वे, वी विल टॉक, डिस्कस, वर्कशॉप्स एंड देन think of an idea which is needed. Kya ho raha tha us waqt India mein? Ke yahan maine I learned how to combat the conflict of communalism and how we have to do, how to create a cultural ideas through open democratic discussions and arrive at a concept in form and content both for political and cultural action. Example iski ek main de dunga aapko. जब बाबरी मस्जिद गिरी थी, आई थिंक 5-6 आवर्स वी फॉट विद ईच अदर, हमें करना क्या है. एंड वी केम दैट टाइम कि भाई पोस्टर निकालेंगे, उस पर क्या लिखेंगे. मेरे दिमाग से निकला तो कोई कुछ कर ही नहीं सकते, आप क्या लिखोगे, थिंग्स आर सो बैड. तो मेरे मुंह से निकला अब कोई नारा ना होगा, सिर्फ देश बचाना होगा. काफी झगड़ा चला उस पर, बट दैट उसके वो एक छोटा सा पोस्टर डिजाइन किया गया, उस पर कबीर की पोएम साथ की गई थी, साधु देखो रे जग बोराना. And we made round about 15-20,000 copies. And अगर आपको याद होगा, it was on the Times of India front page, a child carrying it. It was. तो how कहने का मतलब है कि how do you intervene or enter into space which is a conflict space? How do you enter there? इसी तरह से और एक example जो हुआ जबकि अयोध्या में गए हम लोग, it was a conflict site by then that time. No political party after Babri Masjid could enter. हमें याद है हम तब तक वो कॉन्सर्ट्स कर रहे थे, आर्ट्स अगेंस्ट कम्युनलिज्म. हम पहुंचे लखनऊ, लखनऊ में बैठे तो बातें करते, मुझे लगता है ये अड्डाबाजी जो है ना, इसमें से चाय पीते पीते बहुत अच्छे आइडियाज निकलते हैं, प्लस हमारे लिए निकलते हैं. तो बातें चलती रही, चलो यार अयोध्या जाते हैं, देखिए तो क्या है वहाँ. तो दो लोग गए, उसमें से विवाहन गया और राम गया. तो वहाँ से उन्हें फोटोग्राफ्स लाए रिवर के, सरयू रिवर के, आर्किटेक्चर के. तो बीचेस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस अपन इन स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर टुगेदर, बात चलती चलती होगी वहां जाएंगे. एंड बट इट वाज नॉट ओनली डिस्कस्ड एट सहमत, काफी जगह पे ये कागज भेजे गए आर्टिस्ट को रेस्पॉन्स टू, एंड दिस साइट वाज यू नो रिक्लेम्ड. इन फैक्ट आई मीन इट्स अ हिस्ट्री, यू नो व्हाट हैपेंड द पार्लियामेंट, व्हाट हैपेंड ऑल अराउंड अस. सडनली अयोध्या पहुंचते मेरे तीन सिपाही मेरे बंदूक लेके चार तरफ मेरे तो भी मारेंगे. और वहां पर भी एंड मौके तक कि आप उस स्पेस को कैसे लिबरेट करेंगे या पेनिट्रेट इन द स्पेस विच इज ऑलमोस्ट डिनाइड टू एनी अदर पर्सन एक्सेप्टिंग द बीजेपी एंड हिंदू. बट दिस वाज अ टफ, इवन द लास्ट डे तक वहां का वो कलेक्टर और एसपी हमारे पीछे लगा कि तुम लोग जगह बदलो, यहां नहीं कर सकते. गवर्नर वोरा ऑल्सो डिड दैट. बट आई थिंक दीज आर बिगर थिएटर्स, दीज आर द थिएटर्स where you are intervening not politically through culture, culture which has its moorings into your heritage, into your legacy, into your heritage jo aapki secular hai. Aur humko naya idea nahi nikal rahe the, we are not discovering the wheel, but we are looking at the wheel kahan dafan ho raha hai, usko kaise wapas nikal lete, kya aap chalana hai. To wo karte rahe. Isse kya hua ki while this was happening मेरा कश्मीर खत्म हुआ. आई गॉट अ फोन कॉल, हम चल रहे थे गोलियां चल रही थी, आई गॉट अ फोन कॉल दियो मदर इज एन एमरेज यू हैव टू कम. तो मैं पहुंच गया घर, शेयर गॉन ऑलरेडी इनटू कोमा एंड आई वाज इन अ हॉस्पिटल व्हिच वाज रन बाय टेररिस्ट जे के रफी देयर द गन्स ओपन था सर, देयर वाज नो स्टेट इन इट, नो डॉक्टर इन इट. अल्टीमेटली एनीवे शी पास्ड अवे एंड आई केम बैक. सहमत कर रहा हूँ, बड़ी सोशली रिलेवेंट काम कर रहा हूँ, बड़ी बातें कर रहा हूँ, लेकिन बैक होम performances are banned, singing is banned, you can't do anything. My community entirely has done an exodus from koi any. But I thought ki I should enter this
now I need to enter the space. कैसे करें? 92 में मैं एक चक्कर मारा, it was not possible. I had lost all my friends. कोई पता नहीं कि कोई कहाँ है. And you will not believe कि वो सोचना भी मुश्किल है. 3:30 बजे एक इंसान भी नहीं आपको सड़क पर मिलता है. 4 बजे तो भूल जाइए. सिर्फ क्या मिलता है आपको? गाड़ियां के गन्स लेके जा रही है, दूसरी गन आ रही है. गन्स ही गन्स, यू कैन सी, बट इनविजिबल गन्स यू डोंट सी. बट यू ही अंधेरा होता था, आप कमरे में चुपचाप बैठते थे एंड यू कुड हियर गन शॉट्स ऑल काइंड्स ऑफ डिस्टेंस से. एंड ये घंटी बजती है आपकी और एम्बुलेंस के. इनफैक्ट व्हेन आई वाज बाय मदर इन द हॉस्पिटल, तब भी मैंने ये देखा कि मैं, यू नो, आई मेक फिल्म्स, तो मैं ये साउंड ट्रैक सुनता रहता था. फिर आपने कोई कस करते क्या यार, व्हाट एम आई थिंकिंग अदर फिल्म है, कि ये साउंड ट्रैक जबरदस्त है कि गन शॉट कहीं मिलता है. फिर उसके बाद एम्बुलेंस की आवाज दूर आती है. एंड सडनली क्लाइमैक्स इन द हॉस्पिटल, बाय 2 in the morning योर बॉडीज, डेड बॉडीज अराइविंग एंड अ रायट हैपनिंग इन द हॉस्पिटल. एंड दिस सम विल बी ऑपरेटेड एंड दिस मॉर्निंग वी थिंक आप उनको देखेंगे. इट वॉज नॉट अ सोल. सब को रातों रात ही ठीक करके या ऑपरेशन करके लिवर डिसेक्ट कर कहाँ जाते थे. विच आई केम टू नो, वो पूरा अरेंजमेंट था. डॉक्टर साहब आते थे रात को, ऑपरेशन करते थे, बाहर निकालते थे. वहाँ पर एक नदी का एक झरना है, वहाँ से किश्ती लगी रहती, दे विल बी टेकन अप होम्स. बट कश्मीरी में एक कहावत है कि अगर आपको कहीं ऐसी जगह पे अंदर जाना है तो उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप सुई के सुराख से अंदर जा सके. और अगर वापस से निकलना होगा तो आपको वहां से नहीं निकलना, आपको हाथी के गेट के बराबर जगह चाहिए निकलने के लिए. तो व्हाट आई डिड, मैं काफी 92 में जब मैं गया, सोचा देखा क्या हो सकता है, व्हिच इज द पॉइंट आई कैन एंटर दिस प्लेस. पूरा पॉलिटिक्स कर नहीं सकते आप, यू डोंट हैव योर कम्युनिटी हियर, व्हाट डू यू डू. आई गो टू लद्दाख. मैं कह रहा पहले देखते हैं लद्दाख में क्या हो रहा है. लद्दाख में मैंने एक वर्कशॉप किया 13,000 फुट, ऑक्सीजन है नहीं. मगर वहाँ गजब चीज़ यह है कि वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा आती हैं, लड़के कम आते हैं वहाँ पर. तो हमने जब वर्कशॉप किया उसमें ये था कि जगह नहीं है वर्कशॉप करने की. पहाड़ पे कहाँ जगह मिलेगी, वहाँ पर कुछ दोस्त मिले कि भाई ये जगह देखो, ये जगह वहाँ बिल्कुल पथरीला सारा सामान, कुछ हो ही नहीं सकता है ना. फाइनली किसी ने कहा है कि यहाँ पर एक मलबा पड़ा है, एक गोम्पा का, गोम्पा जो होता है, अगर तुम उसको साफ करो तेरे को एक शांतिपूर्ण आंगन मिलेगा. यू कैन सी द टेरेन व्हाट इट इज. दिस इज अ ह्यूज लेक, पेंगोंग लेक. उस साइड, इस साइड चाइना है, इस साइड ये है. दिस इज द एरिया वेयर यू हैव टू वर्क. तो आप जब सड़क पर जाएंगे तो वहां आपको ये प्रेयर व्हील्स मिलेंगे. आप अंदर नहीं जाते पहले आपको घुमाने, इट्स अ गुड ओमन. तो हमने भी कर दिया, चलो गुड ओमन है. ये है, ये तो कोलाज है, ये एक किला है वहां पर, 800 साल पुराना है. यही पर एक थोड़ी सी जगह मिली हमको जहां हम काम कर सकते थे, तो प्ले कर सकते, पर उससे पहले करेंगे कहां पर, नेक्स्ट. ये तो मलबा था जो हमने, हमको कहा कि भाई इंटरव्यू करो सबका. तो मतलब इंटरव्यू क्या करें, इनका इंटरव्यू से क्या होगा इंटरव्यू का. तो मैंने कहा चलो मलबा निकाल, तुम सभी घर से ले आओ एक बेलचे उदालें और यही इंटरव्यू है, जो ये ठीक करेगा वो हमारे साथ काम करेगा. तो गजब का ये था, 22 लड़कियां और कोई 20 लड़के. ये सब आप देखें, हालांकि सांस फूलते हैं, मतलब मुझे भी करना था, नहीं तो नहीं होता नहीं, क्योंकि तो आपको दिखाना है कि आप भी बहादुर आदमी हैं. और हमारी सांस ऐसे मुझे ब्लैकआउट होता था जल्दी जल्दी, और फिर हम थोड़ा पानी पीते थे. लेकिन ये लड़के, ये सारा ऐसा ही बंजर इलाका है, ये सारा मलबा, एक ईंटें देखे बहुत, इतनी तो ईंटें हैं, ये मिट्टी की ईंटें हैं. ये साफ हो रहा है, ये धीरे धीरे आप देखिए साफ होगा. आप क्लास शुरू हो गए, पेड़ लगाएगा. लेकिन ये खूबसूरत लोग इतने हैं कि उन्होंने जल्दी से अपना बुद्धिस्ट फ्लैग लगाया, फूल लगाए पूरा. उसके बाद हमने यहाँ पर ये देख लीजिए, हमें सेट डिजाइन कब कर रहा था क्या करेंगे. वहाँ थी नहीं कि वो आपको पेन मिले, पेंसिल मिले. लेकिन मेरा ये अनुभव रहा है कि जो किसान लोग होते हैं, जो जमीन पे काम करते हैं, उनके हाथ बहुत सुंदर होते हैं, वो काम बहुत जल्दी संभाल.
हमने वहाँ की मिट्टी उठाई और उसे एक सब्जेक्ट दिया इनको, तुम लोग अपना ये बनाओ डिजाइनिंग से। ये सारे ट्विग्स, पत्ते, मिट्टी, उसी से इन्होंने ये सारा काम किया। आइडिया ये था कि किसी तरह से इनके रहना, ये नहीं पता था उन्हें थिएटर ऐसे होता है, उसमें लाइटिंग का होना बहुत जरूरी होता है, अगर नहीं डिमर होगा तो तुम काम नहीं कर सकते हो। हम हमेशा कहते हैं हमें कहानी कहनी है, वो कहानी कहने के तरीके एक नहीं लाखों हैं। लाइट नहीं सूरज की रोशनी है, और अब तुम्हारे घर में, तुम्हारे दाद अपने अपने समाज में भी तुम कहानियां कहते हो, गाते हो कहानियां, तो हम भी एक तरीका बताएंगे, जो भी हम यूज करेंगे वो वहीं का होना चाहिए और कहीं का नहीं होगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। फिर ये पहाड़ है और ये उसके नीचे की जगह जहां बैठने की जगह बना रहे थे, और यहां पर भी प्रॉब्लम था, ये ऊपर खाबड़ सारा था, तो उसका भी नेक्स्ट ये देखिए, अब रिहर्सल शुरू हो गई, ये मैं नीचे हूं, ये ऊपर है, ये पहाड़ी, ये इट इज, मैं अगर यहां हूं ये पहाड़ी यूं है, पूरी पहाड़ी, और उधर किला उधर है, हमको इजाजत मिल गई कि ये हम कर सकते हैं। ये देखिए, इट इज अ ब्यूटीफुल रॉक, ह्यूज रॉक फॉर्मेशन, ये रिहर्सल है। अब ये देखिए, यहां पर भी हमको थोड़ा सा ठीक करना पड़ा था, एंड वी आर हार्डली एनी मनी, वी आर 2.5 lakhs टू द होल थिंग फॉर वन मंथ। फिर ये कॉस्ट्यूम हमने उनके घरों से लिए, क्योंकि ये कॉस्ट्यूम ट्रेडिशनल के अपने हैं। ये कॉस्ट्यूम लड़कियों के जो है, दे आर वेरी कॉस्टली कॉस्ट्यूम, हेड गियर कम से कम 3-4 lakh का होता है, इसमें सोना वगैरह प्रेशर स्टोन होते हैं, पैरक होता है। तो ये जब आते थे गाड़ी में, इनको सबको ले जाते थे, क्योंकि जनरेशन से नीचे आता है, लड़की को मिलता है, दादी से आगे आता है। आप देखिए, हमने थोड़ा सा इसको टच किया बाद में, सब लड़कों ने सब मिलकर हम करते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं कोई डिजाइनर मिलेगा उसके साथ करेंगे। नाउ द प्ले, दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट्यूम के साथ, दिस इज द स्टोरी टेलर हु विल टेल द स्टोरी। द स्टोरी कुछ नहीं थी, एक फोक स्टोरी थी उनकी, चक्षु होंगे, बर्ड है और एक लव स्टोरी उसके साथ चलती है। उन दिनों लद्दाख में जबरदस्त पॉलिटिकल प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, जिसका इसके साथ काफी समस्या ये थी कि वहां पर बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स का बाइकॉट बुद्धिस्ट ने किया था, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये था कि तुम हमारे कल्चर के तो कश्मीरी मुसलमान के साथ क्यों ज्यादा जुड़े हो, एंड इट बिकेम क्वाइट एक्सप्लोसिव। मतलब अगर मैं अब शक्लों अकलों में तो सारे एक जैसे दिखते थे हमें, अगर मैं किसी की गाड़ी में बैठ के वो सज नहीं करता था मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो होटल में नहीं छोड़ रहा, तुमने क्यों सामान उठा यहाँ से निकल, बाद में पता चला वो कहता तू गलत होटल में रहा, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बुद्धिस्ट के होटल में हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ एक जैसे सब दिखते हो। बट इट वॉज, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि ठीक है बायकॉट है। पर एक दिन क्या हुआ, रिहर्सल में कर रहा था, एक छोटी सी बच्ची इतनी सी थी, वो आके रिहर्सल देखती, वो चारों तरफ से चढ़ते पहाड़ पे, एक एक्टर ही, आई डिड नॉट रियलाइज व्हाट ही वाज, ही केम एंड ही शाउटेड, इसको मैं काट दूंगा यहाँ तो, मैड। और मैं भी उसको डांटा, तो दिमाग खराब है, हंसू तो क्या कर रही है ऐसे छोटी बच्ची से, क्यों कर रहे हैं, यहाँ नहीं होनी चाहिए, आप चुप रहो नहीं तो निकल जाओ, बहुत पागल। फिर मैंने निपाम को बुलाया, मैं कहा चल करता रहना, सर मर गए, यहाँ अगर झगड़ा हो सकता है प्ले पे, क्योंकि यहाँ मुस्लिम्स भी आएंगे बुद्धिस्ट भी आएंगे, जो ही मुस्लिम बुद्धिस्ट को देखेंगे यहाँ राइट हो जाएगा, मेरे डेवलप्ड वर्ल्ड फिल्म का आप क्या करें। वहां सबसे पावरफुल है उनकी लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तो मैंने कहा उनके पास आओ मीटिंग पर आओ, उसको मिलूंगा। अब मैं उनके पास मिलने गया, वो पूरे वो तो जो क्लर्जी होती है अपने बैठे हुए हैं, वो चौक सी लगी होती है पूरे यूँ, तो मैं अपनी तरफ से बड़ा बोल रहा था अपना लेक्चर जो था, मैंने कहा देखिए हम पहली बार लद्दाख में नाटक हो रहा है, पहली बार लद्दाख की भाषा में नाटक हो रहा है, लद्दाख की एक्टर हैं, लद्दाख की कल्चर की बात हो रही है, और लद्दाख के लोग आप इसमें, हमें लग रहा है कि ऐसा गड़बड़ है, तो फिर वो आपस में बात करते जो मुझे नहीं समझ चलता रहता था। फिर मैंने कहा देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ कल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, हम नहीं चाहते, आपका भी झगड़ा कल्चर का ही है ना, कल्चर बचाना है वगैरह वगैरह, तो सर नहीं तो आदमी हम पहले देखेंगे ना तुम्हारा डैमेज, आप कल सर घुम जाते हैं देखेंगे, अगर ठीक हमें लगा तो बात करेंगे। चलो आगे पेपर बैठ गए जजों की तरह नीचे, और हमने शुरू कर दिया पूरा नाटक।
नाटक हैड लॉट ऑफ फन इट हैड लॉट ऑफ पंस और मेनी थिंग्स बट इट वाज अबाउट अ यूनिटी स्ट्रेंथ और ये सब फेबल हमने इसमें इट वाज अ इम्प्रोवाइज्ड स्टोरी कंप्लीटली इम्प्रोवाइज्ड एक बुद्धि स्टोरी है उसको इम्प्रोवाइज किया था बीच में कोई आधे पौने घंटे के वो बच्चे जैसे हंसते नहीं सारे मंक्स हंसने लगे हंस रहे मजा आ रहा था उनको प्ले देख के तो मैं देख रहा हूँ बच्चे बच गए शायद तो फिर जब खत्म हो गया तो मतलब नहीं रहने जी सब ठीक हो जाएगा कोई भी आप करो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है एंड व्हाट हैपेंड जब हम ये नाटक कर रहे थे तो वहां पर काफी टूरिस्ट आते थे फॉरेनर्स रोज वही आते थे हम मतलब रात में चट्टान पर बैठ के नाटक देते मजे लेते थे तो मैं तुम रोज क्यों आते हो तो एक दूसरे को कहता था बोलो इसको कैलियम पता चला वियना नेशनल थिएटर की एक्ट्रेस थी वो कहती तुझे पता नहीं तू किस्मत वाला है ऐसी साइड पे ड्रामा कर रहा है तो हम तो यही बातें करते रहते हैं कि देखो कितना मजा आ रहा है मैं कहा तुम हमारी मदद करो यार तो जीके मतलब बैक स्टेज उसके साथ उस देन अनदर कपल दे वर ऑफ ब्रॉडवे प्लेराइट्स वो भी बैठे थे फिर उन सब ने फिर हमारी ड्रामा की बातें हो रही उनके साथ थिएटर की बातें हमने भी कुछ बोला तो उन्होंने अपना होटल बदल के हमारे होटल में आए तो दिस इज वन एक्सपेरिमेंट जो मैं जम्मू कश्मीर की टेरिटरी को पहले वहां पकड़ के बट यहाँ ये हुआ मेरे होटल में काफी कश्मीरी आते थे बहुत बातें मैं उनसे करता रहता था गेज देम आल्सो क्या हो रहा है क्या करना चाहिए तो कुछ तो बहुत ही रोते थे आई डोंट वांट ड्राइवर प्रोग्राम तुम किसी से दुआ दुआ करो तो मैं मर जाऊं यहाँ वगैरह वगैरह एंड फाइनली दोस्त होते हम तुम्हारे लिए क्या लाएं तो तभी यहाँ महीने खाने के लिए कुछ सब्जी लाएंगे ये करेंगे मतलब मुझे वहां से कुछ ना नहीं आ रही ऊपर तो कुछ है नीचे भी शायद कुछ हो सकता है ठीक हो सकता है ठीक है नेक्स्ट तो दिस इज द फाइनल परफॉर्मेंस अच्छा इस परफॉर्मेंस में भी क्या हुआ कि शाम को करनी पड़ी सारे शहर को दो घंटे के लिए बत्ती बंद कर दी डीसी ने फाइनली ये सारी बत्ती कम है वहां हम लाइट कहां से करते ना दैट इज द स्टोरी वी कुडंट टेक दोस फोटोग्राफ्स दिन में जितने भी वहां वो मिलते हैं ना रिफ्लेक्टर अपने कारों के वो हमने लगाए बल्ब लगाए बट देन दैट वाज नॉट सफिशिएंट सो व्हाट वी डिड वी हमने मोबाइल खरीदा बहुत सारा तो हम लोगों ने कोई पिट्स बनाए इसके बीच में और वो जलते थे एक बार यह हुआ कि बरसात आई लाइट भी गई और वो भी खत्म हो गया लड़कों ने ड्रामा चालू रखा तो मैंने कहा तुम लोगों ने ड्रामा कैसे चालू किया आपको पता नहीं 4000 टॉर्चे हमारे ऊपर यूं चलती थी हमें लगता हम आसमान में बैठ के ड्रामा कर रहे जहां वो जाते थे वो 400 की जाती थी और यूं आती तो दिस वॉज एन इसका काफी मतलब इससे मुझे काफी ये हुआ कि लद्दाख वाले बड़ा प्रेम करने में आई मेड टू फिल्म ऑन जेम्स मॉनेस्ट्री आई मेड ऑन लद्दाख वन फिल्म आई गॉट लद्दाख ऑन सुरभी इन अ बिग वे रिमोट एरियाज में और साथ साथ जो मेरी घुमक्कड़गिरी अपनी है तो आई कुड गो टू रिमोटेस्ट कॉर्नर चांगथांग विच इज द हाइएस्ट हिमालयस सो हायर हिमालय जैसे कहते हैं आई गॉट लॉस्ट देयर चार हमें पता नहीं वापस कैसे आना है क्योंकि वो क्या आप उतरे पहाड़ी से तो फ्लैट है 300 किलोमीटर फ्लैट वहाँ पर हम चांगपास को ढूंढ रहे थे चांगपा वो है ट्राइब्स नोमैडिक ट्राइब्स जो ये पश्मीने की बकरी पालते हैं मिल तो गए और वापस कैसे जाएंगे यहाँ से रास्ता ही नहीं मिला कैसे जाएंगे पहाड़ी दिख रही है और डीसी ने कहा था भैया वो टकरंगा पास है 14,000 feet 300 कुछ है ये तुम 4 बजे से पहले क्रॉस करना क्योंकि उसके बाद क्रॉस नहीं कर सकते विंड वेलोसिटी 100 किलोमीटर हो जाती यू जस्ट कांट अब वो भी टेंशन था फिर किसी तरह से हमारे ड्राइवर को हमारे जीप के पहिए की कोई एक इंप्रेशन के मिल तो तब पकड़ के किसी तरह से हम निकल गए इट्स अ टफ एरिया बट इट वाज ग्रेट लर्निंग फॉर मी इन टर्म्स ऑफ लद्दाखी कल्चर आई एम नाउ एट होम इन लद्दाखी कल्चर विद लद्दाखी पीपल इनफैक्ट पहली फिल्म जो मैंने की दैट वाज इनफैक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ लद्दाख उन्होंने लोगों को सरकार को कहा अगर कोई बनाएगा फिल्म तो रहना बनाएगा उसको पता यहाँ क्या करना है सो दैट इज हाउ आई देन नेक्स्ट This is the last. This is the bird finally alive. This celestial bird. Okay, man. उसके बाद जो मेजर काम 13 साल से मैं कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम ये नहीं समझ लिया कि मैं सिर्फ यही काम कर रहा हूँ मैं काफी जिसको हम शहर में कहते हैं अवांगार्ड वर्क जिसे कहते हैं वो अलग चल रहा है मैं उसको आजकल ज्यादा बात नहीं करता हूँ वो सब देखते ही हैं कभी यहाँ वहां देखते हैं ये काम मुझे इस वक्त महत्वपूर्ण लगता है कि कैन टर्न थिंग्स इन द यू नो जिंदगी कुछ बदल सकते हैं कश्मीर में किस तरह से कल्चरल फ्रोजन सिचुएशन को थोड़ा सा भी वार्म अप करने की कोशिश की तो 1999 में मैं कश्मीर गया 2-3 दोस्तों से मैंने बात की जो मिले उसमें से कुछ आप जैसे ही
सिविल सर्वेंट थे, दुखी थे, कैसे वो वक्त में क्या करें, क्योंकि वहां पर क्या होता है हेरिटेज बिल्डिंग्स तोड़ने लगे थे एंड वी कैन डिस्कवर लॉट ऑफ दीज टेररिस्ट आर बाइंग दोज बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉइंग देम एंड क्रिएटिंग न्यू स्ट्रक्चर्स दैट मेकिंग कैपिटल. उसमें से एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी जिससे ये ट्रिगर आपको पेस्टन जी की बिल्डिंग. तो मैं कल्चर एक इलाका है उसमें से हम जबान पकड़ते हैं, भाषा पे हमें कोई नहीं मारेगा यहाँ, और हेरिटेज बिल्डिंग चलो आर्किटेक्चर पे ही शुरू करते हैं किसी तरह से एंटर करें. वी मेड अ ग्रुप कॉल्ड चेक सेंटर फॉर हेरिटेज एंड एनवायरमेंट ऑफ कश्मीर. वी कॉल्ड फ्यू मीटिंग्स, उसके थ्रू हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंटेशन की क्वाइटली फॉर यंग आर्किटेक्ट्स वी गॉट. तो हम लोगों ने दो चार वॉल्यूम्स में हेरिटेज बिल्डिंग्स का एक चार वॉल्यूम्स में डॉक्यूमेंटेशन किया है. इट इज अ वेरी बिग डॉक्यूमेंट वी मेड क्वाइटली और वो पब्लिश दो वॉल्यूम्स में हो गया. ये बिल्डिंग किसकी है, ये बिल्डिंग क्या स्टाइल की है, ये काम का उसको काफी लोगों को जब हमने रिलीज किया तो काफी लोग खुश थे कि भाई ये काम कर रहे हैं. व्हाइल दैट वाज हैपनिंग आई वन लेड टू द अदर आई रियलाइज देयर आर ऑर्फन्स हियर. ऑर्फन्स हु हैव सीन देयर पेरेंट्स बीइंग शॉट डेड इन फ्रंट ऑफ देयर आईज. तो मैंने कहा एंड लेट अस ट्राई आई डू अ वर्कशॉप विद देम. इनको निकालते सबसे जरूरी ये था कि उस कॉन्फ्लिक्ट स्पेस में बच्चों को निकालना. तो लोगों ने कैसे, हमारे पास भी है नो रिसोर्सेज रेली, तो आप बस देंगे, आप ये देंगे, वो खाना देगा, धर्मशाला वाला देगा. मैंने कहा यहाँ से निकाल दें बच्चों को. तो व्हाट वाज डिसाइडेड, 50 बच्चे हम ले लेंगे, इसमें से उसमें 35 मुस्लिम बच्चे और 15 कश्मीरी पंडित बच्चे जो कैंप्स में हैं. तो वी गॉट देम टू प्लेस इन जम्मू, एक धर्मशाला है रेलवे स्टेशन के बाहर, वहाँ रहे और वी ऑल्सो स्टेड विद देम. लेकिन ये बोलते इन्होंने देखा कुछ नहीं है, देयर वेयर 15, 12, 13 यही एज ग्रुप था, ज्यादा बात नहीं करता. और मुझे एक लड़की अभी तक शी हॉन्ट्स मी हर फेस, वो यूं देखती थी, हमेशा यूं देखती थी, बात के बाद स्माइल था ही. एक लड़की 3 बार फेंट होती थी. मैंने अक्कल कहाँ से, मुझे सब कह रहे ना तो आग के साथ खेल रहा तो कर क्या रहे. मैं कहा यार ठीक है तो चाहिए, कुछ तो करना चाहिए इसके लिए. मैंने भी एक दिन कहा मैंने यार कुछ माएँ लाओ इनकी, यार विधवा वो बेचारी वैसे ही फंसी हुई हैं. तो 8-10 महिलाएं तैयार हो गई. तो आई नहीं, मैंने कहा ये क्वेश्चन रहेगा बीच में, अगर कुछ होगा इनके हाथ में सौंपेंगे, ये जरूर कुछ ना कुछ हमें हेल्प करेंगे, रख लो. बट वेन वी वेंट देयर आई डिडंट गो अलोन, एज अ थिएटर डायरेक्टर और थिएटर मैन आई हैड चाइल्ड एजुकेशनिस्ट विद मी, आई हैड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट विद मी, आई हैड पेंटर्स विद मी, थिएटर पीपल विद मी. एंड what we have started doing now is not to reach to a performance stage, we don't go to the script, we just go from all kinds of resources first to make them talk, make them relax, make them feel at home, win our trust. So we do all kinds of these workshops. Isme there are a lot of techniques we use, painting is one, how to make this painting matlab with ek hum khel khelte hain unke sath, jaise पेंटिंग के लिए पूरा स्क्रॉल देंगे एंड वी लीव लेस पेंट्स देयर, नॉट मेनी पेंट्स, दे शुड टॉक टू ईच अदर, बात ही नहीं करते थे उसके साथ. सो ही हैज टू आस्क मी, ही हैज टू वेट, तो हैज टू शेयर द पेन दे देना एंड बात नहीं. दूसरा ये था कि पंडित बच्चे और मुस्लिम बच्चे हैं, वो दे टॉक, दे डिड नॉट टॉक फॉर 3 डेज. और मैंने, मेरी एक आदत है कि मैं सबके फोटोग्राफ्स अपने टेबल पर कमरे में रखता हूँ, रोज देखता हूँ किसके साथ, क्योंकि याद नहीं रहते 50 बजे क्या हो रहा है. एंड आई टॉक टू, बात करता था मैं सबके बारे में, थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी रखा था हमने. वन डे क्योंकि हम गेम भी कुछ खेलते रहे, एक दिन मैंने उनको एक दिन पहले नहीं कहा था, देखो तुम लोग अगर अच्छा नहीं लगे कह देना अच्छा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुमको. बट वो बेचारे नेवर से नेवर. एक दिन एक बच्चे ने कहा हम तो थक गए, करते हम गेम नहीं खेलेंगे, हम तुम लोग क्या करोगे, हम क्रिकेट खेलेंगे. सो दैट दे कैन टॉक टू ईच अदर. आफ्टर दैट जब भी स्टोरी सेशन बनाने शुरू हो गए, दे थ्रू मी आउट ऑफ द क्लासरूम कि तुम गड़बड़ करते हो, तुम चले जाओ बाहर, हमारा करने तो हम बनाएंगे ड्रामा को. एंड दैट वाज द प्लेस व्हेन आई फेल्ट कि आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक. उन्होंने 3 ड्रामे के 2 ड्रामे बनाए, दे डायरेक्टेड इट देमसेल्व्स, दे परफॉर्मड इट. द गर्ल हु वाज पेंटिंग 3 टाइम्स रोट 2 सॉन्ग्स, सैंग देम, कंपोज देम, ईच वन ऑफ देम डिड सम some kind of, but it, this work led me to another workshop,
to third workshop. I was working in an orphanages then. And एक हमने किया दो साल तीन साल पहले एक वर्कशॉप किया हमने बच्चों के साथ वो था कि जिन बच्चों को क्रिएटिविटी का शौक है करने के लिए तो वी गॉट आई हैव दिस बिलीफ ऑल्सो यू कैन टेक द सेकंड टैलेंट विथ यू हैव टेक द टॉप टैलेंट विथ यू इन दिस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज यू कैन से अच्छा तुम आ जा यार तू भी करेगा कुछ काम ऑलवेज टेक द पीपल हु आर बेस्ट इन देयर फील्ड एंड वी हैव दैट इन द फर्स्ट वर्कशॉप सेकंड वर्कशॉप में मैंने और थोड़ा सा इसका बार बढ़ा के नीलमा शेख को कहा तुम आओगी आऊंगी मैंने शहजू को कहा तुम फिल्म मेकिंग करने के लिए आओगी वो आए तो इस तरह से राम रहमान फोटोग्राफी के लिए आएगा तो मैं भी आता हूँ एंड देयर वाज नो पेमेंट फॉर दैट एंड वी हैड दिस स्क्रिप्ट नाउ फॉर इन फोटोग्राफी वीडियोग्राफी क्रिएटिव राइटिंग इन उर्दू क्रिएटिव राइटिंग कश्मीरी थिएटर एंड अदर इसमें था थिएटर एंड पेंटिंग एंड द रिजल्ट्स विद इन 7 डेज देयर वाज आई हैव अ लिटिल फिल्म वुड यू लाइक टू सी इससे मुझे थोड़ा सा साथ साथ में है यूथ के साथ वर्कशॉप्स करता रहा वहाँ वो बड़े वॉल्टाइज होते थे वो लड़के बड़े तेज नाराज वगैरह वगैरह उसमें इट वॉज प्रॉपर थिएटर ट्रेनिंग प्लस यूजिंग अदर एलिमेंट्स इन इट एंड आई टोल्ड देम दैट देखो वी हैव टू सेलिब्रेट लैंग्वेज कश्मीरी एनीथिंग वी विल डू इट विल बी इन कश्मीरी लैंग्वेज फिर उसमें उन्होंने इम्प्रोवाइज की बहुत सारी कहानियाँ तो ये बच्चों का अलग चल रहा है दूसरा इनिशिएटिव यूथ के साथ है उसमें कोई हमने 300 लड़के तैयार किए हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और अब ये स्थिति है कि सब ने अपने अपने ग्रुप बनाए हैं फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर उन्होंने एक फेस्टिवल अपना किया अब दूसरा लोगों ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया वो आप उन्हें भी आपस में कॉन्फ्रेंस हम ऐसे तुम ऐसे करें हमने ऐसा करेंगे उन्होंने कहा हम फेस्टिवल करेंगे हम कोई भी स्पेस तुम्हें देंगे तुम्हें अपना प्ले करना है तो वो भी हुआ तो कहने का मतलब है कि अब बारामूला सोपोर बड़गाम श्रीनगर में अब लोग अपने करें मैं पीछे हटता हूँ हमेशा आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑलवेज देयर तो मैं आई विल बी एट द बैक होता भी नहीं हूँ मैं कभी अगर अब तुम लोग करो इसका जब वो काम चलता रहा उसमें से काफ़ी बच्चे हमने दूसरा टू बी ऑनेस्ट आई देर वर जॉब्स अवेलेबल लाइक इन यूनिवर्सिटी में कल्चर डिपार्टमेंट था आई सेड कैन यू गिव दिस जॉब टू दिस बॉय सो दैट वो यूनिवर्सिटी में काम करेगा शायद वो शायद आया होगा यहाँ था तो ही इज वर्किंग एंड ही इज डूइंग क्वाइट गुड इन ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन में बच्चों को लिया जाता है करता है काम एंड लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग विद द चिल्ड्रन इन द स्कूल्स वो चल रहा है बट मैंने अपना तीसरा मोड ले लिया जो असली मेरा मोड था कि असली थिएटर जो वहाँ का वो भांडपत्र का है जिसके साथ मैंने काम किया था 82 में पहला वर्कशॉप मैंने किया था उसके बाद वहाँ बहुत हालत उनकी खराब हुई यू विल नॉट बिलीव जो फैसिस्ट करते हैं उनको मारना पीटना साज उनके तोड़ना उनके घरों में जाके उनके कॉस्ट्यूम देखना सब कुछ करना उनके पास कुछ नहीं था जिस दिन मैं पहुंचा एक्सेप्टिंग देने का करोगे कुछ बच्चों ने छोड़ा था वो करते नहीं थे सबसे दुख बात इसका था कि जो कि इंस्ट्रूमेंट से वो छुपाए थे किसी ने गोबर के अंदर छुपाया था कि कोई देखे ना यहाँ तक कि आपको बताऊंगा सरस्वती सम्मान मिला था राही साहब को सरस्वती की मूर्ति वो नहीं रख पाए अपने घर में जिस वक्त मैं गया वो ये जहाँ पर सर्दी में लकड़ी गोबर वगैरह वहां छुपाई थी उसने कहते गोली मार देती क्या करते ये राय साहब के सब हुआ तो और वहां पर एक मोहम्मद सुबह भगत थे उनको तो ट्रायल ही की गई सीधे ही सुल मुजाहिदीन 5 ट्रायल कर दिए कि हम तुझे गोली मारे बाहर निकलो किस तरह उनके घर वाले गाँव वाले उसके उसके ऊपर बैठे बॉडी पे उठने नहीं दिया उसको पैसा हुआ अच्छा तुम 3 लाख रुपये दोगे बट यू आर अंडर हाउस अरेस्ट तो 9-10 महीने बेचारा रहा उसका दी लॉस्ट स्पीच Game in and he died. तो
उनके घर में जिस घर में मैं भी रहता हूँ अफगान आते थे, ऊपर बैठ के ऊपर बैठते थे, रात होती रात रहते थे, सब काम कराते थे। सिर्फ बेचारे ये कहते थे दादा एक ही बात है, अल्लाह ने हमारे बहू बेटियों को बचा लिया, हम क्या करते जो वो पढ़ जाती इतने में हम भगा देते थे इनको किसी गाँव के दूसरे घर में जा। सो दे हैड बीन डेली ग्रे गॉट द हार्ट हियर। अब बच्चे नाम नहीं लेते थे, करें मजदूरी मिली तो ठीक, और ये सब लोग हैं जिनके जमीन नहीं है कुछ, दे आर हार्डली पीपल हु हैव जॉब्स। वो टोकरियां बनाते हैं, कांगड़ियां बनाते हैं और फोकते पर करते थे। फिर पहला मैंने क्या काम किया, मैंने कहा अच्छा पहले खुल के बच्चों के साथ काम करेंगे। तो 35 बच्चे मैंने, अनफॉर्चुनेटली इसमें लड़कियां नहीं होती हैं, इसमें फॉर्म में लड़के ही होते हैं, लड़के ही लड़कियां बनते हैं। तो 35 घरों में हमने इन बहनों को कहा तुम लोग जाओ ले आओ, सारी वैली में गए बहनों को ले आए, और 35 बच्चे एक मस्जिद के बगल में एक घर ले लिया हमने जिसमें बच्चे रहेंगे गाँव में। और गाँव के औरतों ने किचन चलाना, उन्होंने जिम्मेदारी ली हम किचन चलाएंगे। एक अखरोट के पेड़ के नीचे हम लोग एक काम करते थे, और एक दिन बारिश आ गई, कीचड़ ऐसा गांव में तो पूछे नहीं अब क्या करें। इतने मीन टाइम मुझे एक नजर पड़ गई, वहाँ एक अस्पताल बन रहा था, जो एक गांव में अस्पताल बनते हैं काफी बड़ा था, छोटा नहीं था। तो मैंने कहा यार ये तो वाड़ होंगे, जरा चक्कर मारते हैं। अंदर गया तो वहाँ पत्थर लग रहे थे, बिहारी मजदूर पत्थर लगाते थे, शोर बहुत था। तो ऊपर दो वार्ड थे उसमें पत्थर लगे थे, खिड़की दरवाजा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा यहाँ करते हैं। नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट यू गेट द परमिशन, कि चीफ मेडिकल ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी किसी तरह से परमिशन लिया। और रोज हमारा काम था 10-12 बाल्टी पानी लाना, उसको पोंछना सुबह भी शाम को भी, और काम करना। बच्चे 35 आए, हमने उनके वो क्या कह, हमने उनको कैसे बताएंगे वार्ड पत्थर में क्या है। अब इसी यहाँ पर ये होता है कि आपके थिएटरिकल टर्म्स डोंट मीन एनीथिंग देयर, यू हैव टू टॉक इन देयर लैंग्वेज। आई कांट टेल देम फोक थिएटर मींस दिस, इसमें स्पेस ये है, सो ये होता व्हाट इट मींस नथिंग। सो हमने कुछ एक काम उनकी ट्रेनिंग, उनके उस्तादों की ट्रेनिंग चालू की है। उसके बाद हमने दूसरा ये किया कि हम भी अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम बना रहे थे, उसके साथ इम्प्रोवाइजेशन चलती थी, लेकिन उनके दिमाग से जो निकलेगा वही। हाँ ये जरूर था कि रॉ मटेरियल जिस पर मैं बेस अपना काम सारा करता हूँ वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, इट इज बेस्ड ऑन द लैंड एंड वर्क ऑन द लैंड। तो हम ये जो बांड थे जिनके बारे में, इनको मैं कई एनएसडी भी लाया था, क्योंकि अगर आपको याद होगा एनएसडी का कोई एक्टर होगा तो ये जब यहाँ आए तो ये भी नहीं बात करते। और एक दिन उन्हें अपने ही प्ले का एक सीन देखा तो ऊपर के फायर में फूट फूट के रो रहे थे, क्योंकि दे वर द पीपल वर द विक्टिम्स। और जहाँ जब उनको यहाँ लाया उनका एक उस्ताद स्वरने वाला बजा नहीं पा रहा था, तो पता नहीं क्या हुआ था उसको, 6-7 साल के बाद वहाँ से आए थे। मैं उसको एक निज़ामुद्दीन लेके गया, हाँ कुछ भाई तुम्हारा कुछ तो सूफी मुस्लिम के लोग हैं, दरगाह ले गए, फिर वहाँ ले गए जामा मस्जिद ले गए। कुछ दिन के बाद कुछ रिलैक्स होकर उसे बजाना शुरू किया। तो ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये प्ले, ये सारी एलिमेंट्स बांट के बांट दुआई में इस्तेमाल हुए थे। लेकिन आगे चलो, ये तो आप लोगों ने देखा होगा, ये बांट पे तो सबने देखा है। These are the bright pencils which I gave to these youngsters. Tum shapes or forms samajhne ki koshish karo. They started working with the pen and pencil. Uske baad humne unko ek exercise di, bond patra ka kya hai, what does it mean to you, tum kaise likhte ho bond patra ko. To unhone aage chal, you'll see them, they started making these figures. ये बड़े हैं, ये इतने छोटे नहीं है, जितने छोटे की फिगर्स आता है, ये कोई 15-16-17 साल के हैं। बट दीज वर द सीन्स दे वर, हम मैं बाद में फलानी पत्थर का ये बनाऊंगा, मैं फलानी का बनाऊंगा। बट व्हाइल दे वर डूइंग, ये वो वार्ड है जहां पर ये काम हो रहा था। अच्छा एक, इसके बाद हमने क्या किया, तो डर लगता था बाहर, हमने एक टेस्ट मारा जरा बाहर देखें क्या होता है गांव के बाहर। तो हम ओपन में आ गए, तो यहाँ पर हमने मजमा जमाना शुरू किया,
कि देखें रिएक्शन क्या रहता है लोगों का, नहीं तो अंदर ही तो नहीं सारा करना पड़ेगा। ये था सब एक्सरसाइज, ये खाना पीना इनका। ये सारी एक्सरसाइज हम इनके साथ करते रहे। ये एक किलोमीटर उनको ऐसे ही चलना था जब तक नदी मिलेगी, नदी तक पहुंचना था आंखें बंद करके, वो तो ब्लाइंड एक्सरसाइज। देन सम राइटर्स विल कम टॉक टू देम। ये फिर रिहर्सल बैंड आए और इनके साथ काम करने एल्डर्स आएंगे। फिर हमने इनके साथ मॉड्यूल्स कुछ बनाए, पूरा प्ले नहीं कर पाए इनके साथ, छोटे 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 हर प्रकार के छोटे छोटे, एंड दे डिड अ परफॉर्मेंस। ये तो भी गांव में ही परफॉर्मेंस। ये वो एक्टर है महमूद, जो कुछ इनके टीचर जो थे जो इनको सिखाते थे एक्टिंग। हाँ, इसके साथ साथ हमने ये भी किया कि बैंड ग्रुप्स थे जिनके ये बच्चे थे, हमने उनके घर वालों को बुलाया तुम यहाँ परफॉर्म करो, अगेन टेस्ट टू सी व्हाट पब्लिक विल टेल अस, कर सकते हैं। तो यहाँ पहली बार आए तो एक हर दिन या दो दिन के बाद एक एक ग्रुप आता था और हम काम करते थे, एंड पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड वॉचिंग इट। जिसकी मनाही थी वो दाढ़ी वाले आते थे, ये तुम क्या कुछ कर रहे हो, ये चल रहा था। उसके बाद ये उनके साथ बातें होती थी यंगस्टर्स के साथ। ये हो आगे चलन की हिम्मत बढ़ गई तो मैंने उनको कहा एक नया प्ले करें नेक्स्ट ईयर। मैंने उनको कहानी सुना, एक्चुअली वो महमूद जो एक्टर है उसको देख के मुझे लगा हम किंग लियर कर सकते हैं, क्या देखते हैं क्या होता है कि टेक्स्ट जो है। मैंने उनको तो बादशाह कहानी की तरह कहानी सुनाई, कहानी समझाई, तो कहानी तो एक्साइटिंग लगी और तो करेंगे कैसे वगैरह बातें चलती। एक साल के बाद मैंने एक किताब भेजी इनकी, वो किंग लियर की कश्मीरी में एक प्रोफेसर ने ट्रांसलेट किया था, इन्होंने पढ़ा कुछ समझ नहीं आई क्या है, वो बड़ा लिटरल ट्रांसलेशन लगा उनको। उसके बाद क्या हुआ उसका छोटा सा सैंपल है वो फिल्म वाला, वो हुआ क्या उससे आपको समझ आएगा। ये है ना ये जो है ये लाइट ऑफ कर दे, पीछे भेजिए किसी को लाइट ऑफ कर। कहाँ पर उसका एक छोटा सा कैप्सूल है ये, आई थिंक बाय मई दिस विल बी रेडी टू स्टार्ट। सास मज हाय 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 تمس کو وقتی طور گو تمہیں نام اصل حالات وجوہات کہ یہ بسیت تم سنس کارس پر وعدہ بین لیش کہ بھائی ہوں ایرسٹر تران ویدن کرن کمو
سکوت بہٕ اوسُس کران محسوٗس یہِ ییٚمہِ ساتہٕ ییٚتہِ ووت افرا تفری تہٕ سون کار گوٚو بنٛد بہٕ اوسُس دپان بہٕ چھُس موٗدمُت بہٕ چھُس نہٕ زِندٕ کیٚنٛہہ اکھ دۄہ گوٚو بہٕ اوسُس ہوٚکیو مےٚ چھُنہٕ مکانہٕ میٲنۍ جارِ آو دۄہس سختی آیَم مےٚ دوٚپ بہٕ نِمہٕ ہا یَتھ شاہنٲیی پھۄکھ اکھ خبر مارنہِ ما مےٚ وٲج شاہنٲیی آنگنَس منٛز درٛاس تہٕ وٲیِم مےٚ دوٚپ ییٚلہِ مےٚ مَرُن آسہِ بَلٲے ژھٕنُم مَرٕ پَتہٕ تہِ کیٛاہ مےٚ وٲج شاہنٲیی پٮ۪ٹھ ؤتھۍ مِنٹ تِم رٔٹے تِم کھٔتۍ آنگنَس منٛز دوٚپُکھ بیٚیہِ بھایہِ مےٚ وٲج شاہنٲیی مگر پَتہٕ لوٚدُم مےٚ دوٚپُکھ اَسہِ کیٛاہ کَرِ کیٛازِ کوٚرُو تۄہہِ پابٔنٛدی یَتھ लेफ्ट साइड से नीचे आगे राइट साइड को यहाँ पिन लगेगा ठीक है इस हाथ जो हमारा सीधा हाथ है उधर पिन लगेगा Traditionally, it is a, what we broadly will call it, is a folk form. There is a community called Bhans who do this play for generations, and learning of it is from generation to generation. It is a school by itself. They learn naturally from father to son. Bhanda Pothul Phu Mupan Tadri Mojni Karni Agar Hukum Ato Kati گورمینٹُک آسہِ ظُلُم سختی کانٛہہ چیٖز تَمِچ ترجمٲنی کَران اگر سختی کینٛہہ آسہِ عوامَس تَمِچ ترجمٲنی کَران سۄ واتناوان حٲجمَن نِش حٲجمَن واتناوان فَرضہِ پٮ۪ٹھ آی ٹول دَم نیکٕسٹ وی ڈوٗ اَ نِو پٕلے نارملی دے وِل ڈوٗ دیر اون ریپرٹوار آی سَر نو لیٹ می ٹرٛاے دَ نِو ٹیکٕسٹ ییٚلہِ پٔر تَتہِ باسیو اَسہِ یِہوٚے کَتھ کَتھ ہَش باقٕے پُلیُک اَتھ آیا چھُنہٕ کِہیٖنۍ رَمہُک کانٛہہ آیی چھُنہٕ اَتھ پوتھرُک کانٛہہ آیی چھُنہٕ اَتھ پَتہٕ گٔے پریشانی حقیٖقت کہِ اَسہِ کوٚریو یہِ تہِ صحیح کہِ أسۍ کَرو تِم بَدل کانٛہہ پٕلے نہ اَسہِ تہِ کوٚر زور یی اَسہِ دوٚپ نہ ییٚلہِ أسۍ کَرو تیٚلہِ کَرو یی پَتہٕ کوٚر رینا صٲبنہٕ یہِ کہِ تِمو کوٚر دِلہِ فون دِلہِ اَننو ہاروَنَس آیہِ بَچَن سُنٛد ٹرٛانسلیشَن کوٚرمُت ہِندیَس منٛز یہِ ہَسا یہِ نہ کِنٛگلِیا اوٚن سُے تہٕ تَمہِ منٛز کوٚر پَتہٕ اَسہِ رینا صٲبَس سۭتۍ بِہِتھ تِمو کوٚر یہِ ہَسا ٲسۍ تِم ہِندیَس منٛز وَنان تہٕ أسۍ ٲسۍ أسۍ کٲشرِس منٛز ترجُم کَران تہٕ سۭتۍ سۭتۍ لیوٚکھ تہٕ سۭتۍ سۭتۍ کھول اَسہِ پنٛنِس تھٔجِس اَتھ منٛز اوس تہِ یہِ نہٕ اَسہِ تہِ کوٚرمُتُے اوس اَسہِ ٲسۍ پٲتھر کٔرۍ مٕتۍ اَسہِ ٲسۍ بَڑٕ پٲتھر کٔرۍ مٕتۍ یا اَسہِ ٲسۍ ڈرٛاما کٔرۍ مٕتۍ مگر سِگریٹ چھُ یہِ یُس زَن عام مشہوٗر چھُ ہِندُستانَس منٛز تہِ یا ہِندُستانہٕ نٮ۪بَر تہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ اَسہِ وۄنۍ کٲشرِس منٛز کوٚر گوٚو یہِ اوس مقبوٗلی آمنہِ برونٛٹھٕے أسۍ تہِ گٔے اَمہِ سۭتۍ مقبوٗلی آمٕنۍ اَتھ تہٕ اَسہِ گوٚو واتھ یہِ اَسہِ روٗد اَمہِ سۭتۍ عزت سانہِ سۭتۍ تہِ روٗد اَتھ عزت And the story of layer is the division of land. Kashmir is clear to you. They saw, the, you know, you could see that they saw the connections. Ayus Rajas, Aath Garas, Aath Mulkas, kya banyo? Ye Aath Garas banyi, یہِ چھُ مُلکٕچی کَتھ یہِ چھُ مُلکَس پٮ۪ٹھٕے سٲلِم یہِ چھُنہٕ أکسٕے گَرَس یہِ چھُنہٕ أکسٕے اِنسانَس یُس زَن بادشاہ پٲتھر چھُ یہِ چھُ اَکہِ مُلکُک اَکہِ بَڑِ خاندانُک یا بَڑِ کُمبُک کُنہِ گامُک یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ چھُ فٲیدٕ دِوان یہِ چھُ ہاوان اَکے گَرکُے اوس نہٕ أکِس مُلکَس منٛز کیٛاہ گژھِ آسُن کیُتھ گژھان رِیا آسٕنۍ کیُتھ گژھِ بادشاہ آسُن کَمہِ انداز گژھِ آسُن اینڈ دین بیٹٕل سٹاٹ بیٹٕل واز دے نیور ڈن اے ٹریجڈی دیٹس وَن تھِنٛگ دین دَ بیٹٕل واز دیٹ دے کین ریڈ اینڈ رایٹ اِٹس ناٹ پِکِنٛگ لایک أربن ایکٹر پِکِنٛگ اَپ اےٚ سِکرٛپٹ اینڈ رایٹِنٛگ رایٹِنٛگ نو سو ہَو ڈوٗ یوٗ ڈوٗ اِٹ اِٹ واز گوِنٛگ لیری لِٹرلی بَے مِلی میٖٹر بَے مِلی میٖٹر
رات پہ ندو پہ اگر مجھے زون تھی یہ پہ دن بہ لاگ رات دہ یہ پھر نو واپس کھین یہ زن میں پنس وستاد تمہیں ساتھ ووت تمہیں دن تفریح ناممکن یہ ڈائلاگ یاد کر تفریح یاد ہی گھن تفریح یاد گھن خبر گھسوسا مے ترا کیا ہوسا مے ترا تو مے دس ان شاء اللہ رحمان اگر بہ مر تھی مگر یہ رول چھوڑنے کھین شخصرن لوکمت یہ شخصرن لوت البتہ میمت پن ذہن مطابق یہ سمجھت من کھوتم اتنے پایو سوکی بزائے شخص کہ یت یعنی سوکی اتنی یہ تمہ انداز روحانیت یہ زان وی زانے کہ روحانیت کیا اتنا It became quite a thing, you know, a big thing there, because in the village when we did it, it was Friday and there was agitation going on and they started developing cold feet, you know, people should not misunderstand that. You know. But then younger Bhant said, what? We go on Friday, we go to masjid, do perform our namaz and then we can come, nobody will tell us anything. And when they came back, with them came thousands and thousands of villagers. And you can't believe what crowd it was. Women, Muslim women, children, old men, young, every, I could, the whole hill was filled with people. خزان گسیمو بحال پاند گسان یا حاون اوہت یہ صحیح کہ محمد صبح بھگت گزرو رزاق بھگت گزرو علی محمد ونکس کام کران غلام محمد بھگت گزرو تو پہ چلو تھیٹر نیٹر پہ کی وی یہاں کہ تمہیں یہ طریقہ تم پکن پکن بی طریقہ تو پکن یہ پک یہ رکن کار لو رکن ٹیک دا موسٹ چیلنجنگ ٹیکس آف دا ورلڈ بائی دیس ڈاؤن ٹراڈن سبآلٹرن ایکٹرز اینڈ create it in the mainstream and walk and bang the door of mainstream theater in India, here we were at. That is the challenge. एक लंबी रंग यात्रा कोई पूरी नहीं देखी उसमें कुछ अंश छूट गया संभवतः अब इसके बाद वक्त है आपके सवाल पूछने का अच्छा सवाल वो होता है जो छोटा होता है less is more less is more less is more there और अच्छा सवाल वो भी होता है जो समझ में भी आ जाता है तो इसलिए और सबसे पहला सवाल करने में ही थोड़ी हिचक होती है उसके बाद तो फिर दरादन गोलियां चलती हैं तो पहला सवाल कौन करे इसकी हिम्मत कोई कर ले फिर बात तो अपने आप चल जाए अपना नाम भी बता दी मेरा नाम राजेश जैन है और मेरे नाटक धक्का पम को आप दोनों के सौजन्य से भोपाल में किया गया था रंग शिविर में 1978 में
नहीं मैं उसी उसी शुरुआत से ये सवाल पूछ रहा हूँ रैना साहब से कि एक वक्त था जब सत्यदेव दुबे ओमपुरी और ये एनएसडी का इतना बोलबाला था, हम लोग भी कस्बों में रहते थे मध्य प्रदेश के, और वहाँ उत्साहित होकर हमने नाटक लिखना शुरू किया। धक्का बम आप तक पहुँचा ये मेरा सौभाग्य आपने किया अभी, पर उसके बाद हिंदी के जो मूल लेखक हैं नाटक के उनके प्रति निर्देशकों का ये पराभव क्यों हो गया? एक स्टेप ये ट्रीटमेंट है कि वो दे कुड नॉट कैरी देम ऑल विद देम, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? छोटा सवाल है, सवाल करना जरूरी होता है? सवाल करने जरूरी है क्या? कर दिया तो कर दिया, हम भी पेड़ शुरुआत तो करनी है। अब तो गोलियां नहीं, मुझे लगता कि ये सवाल मेरे लिए है भी और नहीं भी है, क्योंकि मैं अपना नाटक करना नहीं रोकता। मुझे नाटक नहीं मिलेगा मैं कहानी उठाता हूँ, कहानी नहीं मिलेगा कोई फोक स्टोरी करूँगा, परफॉर्मेंस मेरा चलता रहता है, उसकी भाषा कोई भी हो सकती है। मैंने पंजाबी थिएटर की बात यहाँ नहीं की, आप लोगों से पंजाबी थिएटर में मैंने क्या किया, या हिंदी थिएटर में, या मैं बांग्लादेश में भी काम कर, फिर नेपाल में भी जाता हूँ, अभी शायद श्रीलंका भी जाऊँगा। तो ये सवाल मेरे, इसका जवाब मेरे पास ये है कि हम निर्देशक नहीं रुकेंगे, मेरे पास जो नाटक आएगा और वो मुझे एक्साइट करेगा मैं किसी तरह से उसे करूँगा। लेकिन इधर एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दिल्ली में कुछ कर दें तो परलोक को पता चलता है कुछ, हमारी कहानियां दिल्ली में खत्म हो गई है एक हिसाब से, क्योंकि दिल्ली हमारे लिए मुश्किल हो गया। मैं कहाँ से 75,000 रुपये लाऊं खैमा कमानी को देने के लिए, या 60,000 श्रीलाम सेंटर को देने के लिए? कोई किसी को फिक्र नहीं इस बात की, हम काफ़ी इसके लिए यहाँ जदोजहद भी किए, भाई कोई सस्ता सा थिएटर, मुझे उम्मीद थी कि शायद ये जो अभी बन था, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, शायद इसमें शहर सोचेगा और कि क्या इससे हमारा ये डिविडेंड मिलेगा, हम ये करेंगे। उन्होंने तो पता नहीं महल बनाए, उनमें तो वो महल ऐसे खाली पड़े हुए हैं। मुझे लगता है शहर की भी ये जिम्मेवारी है, और अशोक जी जैसे ब्यूरोक्रेट तो आपको रोज नहीं मिलेंगे ना, जो पकड़ पकड़ के उनको ले जाते थे, यहाँ से जाते थे हम लोग, समस्या वो भी है। और रंगमंच, हम तो सिर्फ रंगमंच कर सकते हैं, हम उसके मैनेजर बनने बहुत मुश्किल हो गया, पहले चलता था करते थे, अब वो नहीं होगा, मेरे पर बहुत खराब है। मैं फिर स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया, मुझे 77 का वो फोटो है यहाँ पर, मैं जब हम उधर किए थे क्या कहते हैं तुर्कमान गेट पर शुरुआत हमारी स्ट्रीट थिएटर की। हम नहीं रुक सकते, हमें कुछ तकलीफ भी होते करेंगे भी तो मरेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जिस थिएटर की आप सोचते हैं कि अब थिएटर में होगा ये कहीं, मुझे लगता है ये अब छोटे शहरों में हो गया। अमृतसर शहर में आकर के तूफान मचाया वहाँ थिएटर, ये एक आदमी ने वहाँ थिएटर बनाया, सरदार जी एक है बरार साहब, उन्होंने एक बिजनेसमैन है, वो हार्वेस्टर के ब्लेड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, आधा प्लॉट उसके लिए बनाया, आधा इसमें थिएटर बनाया, धीरे धीरे वो अपना फैक्ट्री कहीं शिफ्ट कर गए और एक ज़बरदस्त थिएटर बनाया उन्होंने, खाली क्यूब थिएटर, वो कोई 15 साल तो मुफ्त देते रहे लोगों को, आप थोड़ा सा ले रहे हैं पैसा, थोड़ा दे दो खर्चा वर्चा, पर ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? हमारे पास यहाँ पर एक स्पेस थी, वो छोटी सी क्या थी वो अपना है बेसमेंट, वहाँ ही सारा थिएटर हमारा हुआ है, वेरी रेयरली वी कुड गो टू द बिग थिएटर्स। और मुझे लगता है महानगरों में तो महानगर वाले थिएटर कर सकते हैं, महानगर का थिएटर का अलग ही स्वभाव है। और मुझे यही लगता है कि जिस तरह से कोई क्रिकेट प्लेयर आजकल सब कस्बों से निकल रहे हैं, थिएटर वाले भी वहीं से निकलेंगे। हाँ, और कोई? अरे ऐसा क्या हुआ, कई एक सवाल के बाद मेरा नाम सुधा अरोड़ा है। रैना साहब मैं आपको सलाम करती हूँ, और जब तक आप बोल रहे थे तब तक हम यहाँ नहीं थे, वहाँ थे, लेकिन अब हम यहाँ आ गए हैं, हमें इसकी तकलीफ है, और बहुत तकलीफ के साथ अगर हम कुछ पूछेंगे तो वो सवाल होगा। मैं चाहती हूँ कि हम उस प्रभा मंडल में रहें और उसी को साथ लेकर जाएं, इसलिए कोई सवाल नहीं है आपसे, आप अपने काम को जारी रखें और हम चाहेंगे कि आप उसमें बुलंदियों तक पहुंचे, अपनी लड़ाई लड़े। वहाँ पिछले साल पुलिस ने पीटा नहीं, वो भी एक वो भी एक हासिल है, वो कहानी में कहना नहीं चाहता कि क्या क्या हुआ, बहुत सारी तकलीफें, मतलब कि बाकी लड़की जो थी ये वो
पूरा खुश हो गया हमारा ये शो जब हुआ। हम शाम को एक महीना बत्ती नहीं थी हमारे, मोमबत्ती पे खाना खाते थे, फिर कुछ अगर काम करते दिन में ही करती पड़ती थी काम। अब जैसे मैंने कहा यार अब हम शहर जाएंगे, तो वहाँ इसको आना था शो करने के लिए, हमारे हम लोगों ने भी एक छोटा सा दारा शुटू सेंटर है वहाँ प्ले करेंगे। हुआ है यही कि वहाँ पर जब हम आ रहे थे तो स्टेशन पथराव चल रहे थे, 7:30 बजे हमें फोन आया, मैंने आप निकलो ठीक है तुम लोग के लिए अब निकले। एक छोटी सी जगह रंदाक से शहर क्रॉस करने से पहले बच्चे आप यंग लड़के खड़े हो गए, कहाँ जा रहे हो, इतना सा लड़का तो बिल्ली आंखें उसकी निहार क्या ये दाढ़ी क्या है कहाँ जा रहा है तो क्या करोगे। मैं कर नहीं, वो हमारा दूर से आए हैं, ये वो मेहमान है वगैरह वगैरह कुछ बोले। अच्छा जाओ चले। दूसरा ग्रुप हेरासमेंट पूरी, ह्यूमिलेशन पूरी। तीसरे ग्रुप ने भी यही किया और कहा अच्छा जाओ पीछे से बारिश पथराव हो गया। अगर हमारे पास बैग्स होते हैं ना, राकेश का सर फट जाता, मेरा सर फट जाता, इसका तो ये फटना था, मतलब विद इन 1 मिनट हमारे चारों तरफ शीशे हमारे ऊपर बरसात सारी थी और स्टन, और आगे जगह पुलिस भी थी। तो ये काम जो ये बिली मी, मैं कोई वहाँ कभी इंटरव्यू नहीं देता हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू बिकम अ हीरो, देयर इज नो आइडिया दैट आई एम अ हीरो इज डूइंग ग्रेट वर्क, अब तक में मिलेंगे। आई डोंट मीट एनी पॉलिटिशियन एक्सेप्ट इन टू, लकली वो रिटायर हो गए हैं, उनसे जान पहचान मेरी मदद करती, अदरवाइज ऑल ऑफ अस आर ऑन अ लो प्रोफाइल trying to recover, reclaim cultural space. And when that happens, and it has happened now substantially, वो एक कहानी हमने हमने एक बिल्डिंग हमने रेस्क्यू कर दी, ललदेत स्कूल था, बहुत महान पोएटिस हमारे लिए। लास्ट इलेक्शन में एक दलाल ने बिल्डिंग टिकड़म से खरीदी, डिक्लेयर किया यह अनसेफ है, स्कूल निकालो यहाँ से, डीसी को पैसे दे के सारी बिल्डिंग 12 लाख में खरीदी, जो कि 150 साल पुरानी हवेली बहुत बड़ी है, 20 लाख उसने लकड़ी बेची उसमें से। लेकिन वी फॉट दैट केस बैक एंड वी हैव गॉट गवर्नमेंट हैज गॉट बिल्डिंग बैक, नाउ वी आर गोइंग टू रिकंस्ट्रक्ट अ कल्चरल सेंटर देयर, क्योंकि स्कूल अब नहीं बन सकता। तो ये और बिल्कुल लो प्रोफाइल चलता है, तो ये काम इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये बाद में अच्छा भी लगता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है, इट्स नॉट दैट इजी और बहुत टाइम लेता है। व्हाट वी कुड डू इट इन 5 years, इट्स टेकन 13 years। सर मैंने पहली बार आपको सुना है और मैं आपसे इतना प्रभावित हुआ हूँ कि आप में पृथ्वी जैसी सहनशीलता, सूर्य जैसी तपनता, चंद्रमा जैसी शीतलता और पर्वत जैसी ऊंचाई है, और मैं इसको नमस्कार करता हूँ। गुड गुड। हाँ नरीन, ये एक चीज कहना, मैं जो अनटच किया मेथडोलॉजी ऑफ वर्क ऑन एक्टर्स जो आपने कुछ कहा था, मैं उसको सिर्फ एक ही कमेंट करूंगा कि वो है कि मैंने एक्टर तो कभी एनएसडी से आते हैं, कभी नॉन एनएसडी होते हैं, और कभी ये बादशाह पत्र करने वाला एक्टर होता है, सबके लिए मेथोडोलॉजी होती है। लेकिन मेरा एक ही अप्रोच होता है कि मैं इनको कब इस नक्शे का मालिक बना दूं जो मैं खींचता रहता हूँ, और उसमें बातें करनी पड़ती हैं, और हमेशा ये सोचता हूँ जो मेरे दिमाग उसके दिमाग में क्या था, मैं उसके दिमाग में कब बैठूँ जब उसको करना होता है। ये जो बादशाह पत्र का एक्टर है ये पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन बिली में अनुभव इतना है, इतना भुगता हुआ अनुभव है, उस वो मेरा टैप करने का तरीका है, मुझे बात करना, बैठना, तंबाकू पीना, अभी इनको लड़िया सकते। बट जैसे उत्तर आया जैसे एक्टर्स आया ना प्रिवलेज है वर्किंग, मैंने बहुत लोग एक्टर के साथ उत्तर आबाकर, मनोहर सिंह, सुरेखा सीकरी, के कहना, पंकज, बहुत लाइन है। उत्तर का अनुभव बताऊंगा, अंधायुक्त में गांधारी का रोल करती, चल रही थी से फिल्म करती, सर निशी आस में क्वेश्चन फिर एक बार एक सीन उसमें अंधायुग में है, एक पीड़ा होती है, वो है वो दावाग्नि जब लगती है, वो हर प्रोड्यूसर ने काटा है उसको, क्योंकि लंबा प्ले होता है तो ये बेचारा एकदम काटा के फेंक दिया जाता है। मुझको लगा पता नहीं क्या सना चढ़ी, मुझे करना है सीन, ये नहीं मैं छोड़ूंगा, ये किसी को करना नहीं आता, यहाँ से मैंने फरमाइश शुरू कर दिया। अब जब सारा प्ले गया एंड तक तो मैं करना क्या इसका मुझे समझ नहीं आ रहा, और मजाक हो गया, एक महीना ऊपर पूरा थर्ड फ्लोर रहना चलना, अब काट देना, मैं कहा नहीं कटेगा,
वो बिल्कुल मेरा रिडिक्यूल होने लग गया, तो बिलीव मी मैं परेशान बहुत रहता था कि अब आ गया। अच्छा श्याम टू सीन एंड गो द नेक्स्ट सीन, ये मैं करता था। फिर एक दिन मुझे लगा कि भाई उस्ताद ने कहा शायद नाटक ठीक नहीं पढ़ा है तुमने, तो मैं इतना मैं परेशान था क्योंकि वो प्रोडक्शन अलग तरीके का था, उसमें मैंने मपेट्स बड़े बड़े यूज किए थे वो सपने के सीन के लिए, वो जो सपना आता है अश्वत्थामा को, वो दादी से मदद ली थी उसको बनाने के लिए। मैंने वाकई स्क्रिप्ट पढ़ी फिर से रात के 2 बजे 4 बजे तक धीरे धीरे पढ़ रहा था, घर में कोई नहीं था, मैं जमीन पर बैठ के वहीं सोता था। उसमें कहा महाराज आगे ना जाइए, मन में दावा आगे लगी है, ये भी उधर बोलते हैं हाँ। उसके बाद वो कहता तो नेक्स्ट सेंटेंस पॉज के बाद धृतराज बोलते हैं विदुर ये दावा की नहीं है तो ज्योति भी थे, यही मैं मिस कर गया था ये वर्ड। मैंने कहा इसी में तो डायनामाइट है, यही तो एक्सप्लोजन है, एंड इससे हमारी कितनी परंपराएं जुड़ती है, वी सेलिब्रेट डेथ, वी कैन ही वॉक्स इनटू फॉरेस्ट ट्रेनिंग सर। तब जब मैं आया 15 मिनट में वो सीन बन गया, लेकिन एक महीने की पीड़ा से आपको वाकई निकलना पड़ता है, ऐसा नहीं बनता कि। और इस तरह सुरेखा सी की शी वॉज शीज क्वाइट टफ एक्टर टू वर्क, वेरी टफ एवरी पॉइंट शी आई न्यू कि मुझे होमवर्क सवाल का जवाब बराबर देके आना चाहिए। वो कड़वी ने छोड़े खेत उपन्यास है उसका कर रहे थे, तो चलती रही हर बात करता मैं जवाब देता रहा, शी विल नॉट आई विल सी शी इज नॉट सेटिस्फाइड देन आई विल कम नेक्स्ट अगेन एक्सप्लेनेशन। इस बीच में 7 दिन के लिए बाहर गया, मैं देखा कि मैडम ने सीन ही बदल दिया, सारा कोरियोग्राफी बदल दिया, आई गॉट वाइल्ड, देन आई गॉट वाइल्ड, देन आई वॉज डायरेक्टर इन फुल स्विंग। आई सो हाउ डिड यू डू इट, सो व्हाट इज द सर्कुलर मूव यू डू, because the whole special and she seduces her husband who can't, who has come after 12 years from the life imprisonment and she wants it again a child, but bachcha nahi uska hota hai kyunki bachcha mara gaya hota hai, she says I can't give you a child and she really seduces him. So I did this whole scene jaise ki wo so circular movement ka apna ek sensuality hai, uske baad wo danda sa karke aati hai, she sajati aati hai, main usko sara samjha, main kahi samjho teri marrying wo parikrama teri niche karti hai doodh leke aati hai tumhe. When I gave her whole explanation to her, she said, okay. So you have actors who are solid actors. Wo se niche lega ka order karke karenge. It doesn't work. But now what is happening? Ke we leave a piece with the actors, with the amateur actors particularly, and we ask them to work on it. Then we discuss it. It's a slow process. And what I will do with trained actor, I can't do with the folk actor at all. Because two are different worlds, two spaces, very different spaces. एक सवाल है, मैं नीलेश सर, आपका काम राजनीतिक रूप से काफी मजबूत होता है और आपने सीधी तरीके से भी बात किया, व्यंग के लहजे में बात किया और दूसरे तीसरे माध्यमों से भी राजनीति आपके प्ले में होता है, तो कोई ऐसा नीत नहीं होता है, राजनीति राजनीति नीति बहुत जरूरी है। तो कोई ऐसा वाक्य सर जो इस तरह के जो लोग कुछ लोग जो आपको प्रभावित किया हो आपके कामों को लेकर के, आपके काम पर कोई ऐसी बात उठी हो जो आप उससे जूझना पड़ा हो दूसरे लोगों जिनके ऊपर आपने व्यंग किया हो? नहीं ऐसा नहीं, वो मुझे लगता है वो काम बहुत फीका होता है, मुझे लगता है रंगमंच आप नहीं कर सकते अगर वो रंगमंच की तराजू पर अच्छा रंगमंच नहीं होगा, नहीं तो वो पैम्फलेट होता है, वो पोस्टर होता है। जैसे आप पॉलिटिकल पोएट्री की बात करते हैं, पाब्लो नेरुदा की बात करते हैं, कोई भी एंटी की लेफ्ट आदमी उसको ये नहीं कह सकता कि वो घटिया कवि है, और ये मापदंड आपको हमेशा रखना है, हल्कापन से नहीं होता पॉलिटिक्स या कुछ भी करो, उसमें वो सारे मापदंड होने चाहिए जो उस डिसिप्लिन में होने चाहिए। हर तरह से सर मेरा सवाल नहीं है, एक जिज्ञासा है। क्या है? या तो हमने किताबों पढ़ा आपको या निर्देशक या टीचर के रूप में, पर मेरा मन कहता है आप बहुत अच्छे अभिनेता भी रहे होंगे, जब आप बात करते हैं तो लगता है, कहते हैं लोग। तो मुझे जानना है कि आप अपने कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताइए अभिनय के बारे में, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत अच्छे अभिनेता आप हमें बताते हैं, बाल भर के दौरान भी मैंने देखा, तो आप कभी कभी पर्सनली ये बता रहा हूँ मुझे ऐसा होता था कि क्या बोल गए मुझे पता नहीं चला, मैं तो एक्टिंग ही देखते रह गया, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप नहीं, मुझे लगता है मुझको एक थोड़ी सी एडवांटेज है क्योंकि मैं एक्टर हूँ, मुझे जब तू गड़बड़ करता है या कोई भी एक्टर करता है मुझे समझ आता है कि 2-3 मिनट के बाद इसकी समस्या ये है, तो मुझे वो समस्या मैं उसकी सुलझाने बैठ जाता हूँ, मतलब ये मैं करता हूँ, मैं वॉन्ट एंटर इन टू द माइंड ऑफ द एक्टर, ये मेरा बड़ा हमेशा रहता है कि अगर आज नहीं तो कल तक तो जाना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि वो परेशान है और मैं चीख के तो होगा नहीं, उसको डेमोन्स्ट्रेट करूँ तो बंदर तो है नहीं,
मुझे उस, और दूसरा ये होता है कि अगर मेरे पास 20 एक्टर मेरे पास 20 ब्रेन्स है यार, दे मस्ट वर्क फॉर मी, दे मस्ट कंट्रीब्यूट टू द प्रोजेक्ट. मैं अपना बता दूं तो वो तो करके देंगे तोते की तरह, लेकिन उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसे मैं तो वंचित रहूंगा, क्यों रहूं? ये मेरे लिए. और एक्टिंग के नाम पर तो एक्टिंग में फिल्मों में तो एक्टिंग बड़ा पिकनिक है भाई. वहाँ अच्छा साधन मिलता है आपको, उसमें कोई नाइट कुछ प्रॉब्लम नहीं. हाँ, मिमी के साथ फिल्म करना है सर वॉज रियली समथिंग. मुक्ति बोध करना था और मणि दिन रात भर मेरे कान में मुक्ति बोध, ट्रक में जाए बस में जाए वो चलता रहता था, ए पढ़े करता है, तो उसको कोई रिलेवेंट नहीं. बट फॉर एग्जाम्पल ही इज अ वंडरफुल थिंग. हम जब गोपी और हम वो सीन करते थे, कोई कैमरा चलता था, हम लोग एक्टिंग करते, सीरियसली का शॉट चल रहा है, फुटेज आ रहे, आ क्या बात है, बहुत अच्छा किया तुमने, आ रहना क्या बात, जो क्राफ्ट बनाए हैं उसको नाक करके तू कैसे नेगोशिएट करता है डिस्पाइट, जबकि मैं तुम्हें इतना डिस्टर्ब करता हूँ, एंड आई गेट व्हाट आई वांट. नाउ देयर इज अ डायरेक्टर लाइक दैट एंड यू हैव टू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक दैट. तो अलग अलग अनुभव है. मैं शिवाजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लद्दाख गए और भी कई कस्बों में आपने नाटक किया, तो ये जो कलाकार है इन्हें बेशुमार तालियां मिली, तो इन्हें कुछ वेतन भी मिला या ये अमेच्योर ही रहे? कौन? ये जो कलाकार हैं. देखो मैं कश्मीर में काम ही नहीं कर सकता अगर मैं उनको मजदूरी नहीं दूंगा, वो 100 रुपए देना पड़ता है, चाहे मुझे अपनी जेब काफी बांध दे. जैसे भी ये जो किसने कहा ना शेक्सपियर सूफी है, इनको काले वो टैगोर अवार्ड भी मिला है, लेकिन he's died before he could get that award. But everything, अदरवाइज को मजदूरी करनी है या टोकरियां बनानी है. मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर मैं 20 एक्टर लेता हूँ उनको तो मुझे 20 दिन का वो देना ही है, उसके बाद जो उनको मिलता है इधर उधर से I can't, वो तो मॉरली भी गलत है कि मैं उससे अपना हिसाब मांगूंगा. वो सारा उनको उनकी प्रॉब्लम उनको हिसाब करना भी नहीं आता, तो वो उनको देना पड़ता है. एक और कि आपका सबसे बेहतरीन नाटक, आपको काम करने में किसमें मजा आया, आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा, एक बार हम सुनना चाहेंगे. ये तो फिल्मी सवाल, दिलीप कुमार का डायलॉग है. फिल्मी सवाल. मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगी. आप इतने सालों से नाटक कर रहे हैं, तो पहले के जो आपके नाटक में जो लोग काम करते थे और आज जो आपके साथ जो काम कर रहे हैं, क्या उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं या बहुत मेहनत करना पड़ता था पहले और अब कम करना पड़ता है? पहले मैं क्या करता था, नाटक तो रोज पढ़ता हूँ, लेकिन तब मैं बड़ा कागज पे लिख के मुंह जू सारा करके आता था, अब वो नहीं कर पाता. अब फिर मुझे लगता है शायद अनुभव इतना हुआ है कि हम स्पेस पर ही आके और एक्सप्लोर करते हैं, बातें करते रहते हैं. अब इतनी मतलब अपनी बर्दाश्त है मुझे कि आज नहीं हुआ सीन कोई बात नहीं, कल तो हो ही जाएगा. लेट अस स्टार्ट एक्सप्लोरिंग इट मोर एंड मोर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर सोनाली से, सर जैसे पहले एक कल्चर जो मतलब एक्टिविटी होती थी तो वो सारा कुछ मिक्स होता था, मतलब आपका साहित्य मिक्स है, पोइट्री मिक्स है, ड्रामा मिक्स है, अब हम देखते हैं ना कि हर चीज़ एक अलग अलग लाइन में जा रही है, तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है? मेरे यहाँ तो हो ही नहीं सकता, वैसे नाटक में तो पेंटिंग भी चाहिए, पेंटिंग भी चाहिए, एक्टर भी चाहिए, डिजाइनिंग भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, उसमें तो हो ही नहीं सकता, उनमें ये सबका संगम उधर है. बट अब फिर भी हम देखते हैं जैसे कुछ अलग अलग जा रहा है ना, मतलब कि इस चीज को एक मिक्स फॉर्म में ही होना चाहिए या ये अपनी एक अलग फॉर्म ले रहा है तो ये अच्छा है? सब अच्छा है, as long as ये इंसान के लिए अच्छा है, सब अच्छा है. करने का सौभाग्य बुखार आ गया है. हमने एक बहुत ही सक्रिय रंगकर्मी, जिसकी सक्रियता सिर्फ रंगकर्म तक सीमित नहीं है बल्कि उसकी और जो व्यापक सामाजिक आशय हैं उन तक जाती है, ये कथा
उन्हीं की जुबानी सुनी। आप सब यहाँ आए इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं।